अरे चुप ना मेलिया, बीवी की तरह चिक 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 चिक। आई लव दिस, इतनी जल्दी बज गया। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। छे, इतनी देर तक सोएंगे तो तरक्की कैसे मिलेगी? वैसे भी सुबह जल्दी उठ के पेपर वाला और दूध वाला कौन सा तरक्की कर लिया? समंदर बहुत धुला धुला लग रहा है। एक फोटो ले लेता हूँ। ये ऊपर वाले आईफोन तो दे दिया, अब आईफोन कब देगा रे? क्या मैन, टाइम कितना हुआ? अभी तो बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन अगर बंगड़ी वाले बाबा की कृपा रही ना तो अपन तीनों का अच्छा टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। दाढ़ी करने को भी टाइम नहीं मिलेगा, ट्रिमर लेके घूमना पड़ेगा। हम लोग इतने अमीर बनेंगे कि गवर्नमेंट को एयरपोर्ट बना के भाड़े पे दे देंगे। नहीं दे पाए तो सॉरी बोल देंगे। ए मैन, जा देख तेरा गांव वाला चेकआउट किया कि नहीं, और टिप आपस में शेयर करेंगे। तू ही जाके देख, मैं इधर बैठे बैठे करोड़पति बनने के आइडिया सोचता हूँ। ज्यादा दिन गरीब नहीं रह सकता क्या? ए डोके में एक आइडिया आया। अरे काम धंधे के बारे में, मैं सोच रहा हूँ धंधा ही बदल देती। अपन लोग ना मछली पालेगी, मछली ना एक टाइम पे 1000 अंडे देती है। 1000 मछली 1000 अंडे देगी तो 10 लाख हो गए, और 10 लाख मछली 1000 अंडे देती है तो होते 100 करोड़। अगर 1 रुपए का 1 अंडा भी बिका तो हम करोड़पति। पर खाएगा कौन? चाइना में लोग सांप के भी अंडे खाते हैं। चल ठीक है, मछली रख ली। हाँ? उसको पाल भी लिया, वो अंगूर के गुच्छे की तरह अंडे भी दे देगी, पर अंडे निकालते वक्त वो फूट गए तो किसका नुकसान? नहीं फूटेगा, अपन सारे अंडों पे फेविकॉल की कोटिंग करेंगे, कुछ नहीं होगा। अबे फिर ऑमलेट कैसे बनेगा? ये मेरी बात नहीं मानता, मेरा पैसा वापस दे चल। मैन डिस्टर्ब मत कर। अरे तू क्या डिजाइन बना रहा है क्या उधर? दूं क्या? ए मैं बोलता हूँ रिसोर्ट बंद करो और मछली के अंडे का धंधा करो, बस। चुप कर, तेरे अंडे फोड़ दूंगा। अरे तेरे 25 पैसे का शेयर तेरे मुंह पे मार के अपने बिजनेस से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अरे रिसोर्ट का धंधा खोल के 2 साल हो गया लेकिन 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बता, मुर्गी क्या साल भर अंडे देती है? मैं तो बोलता हूँ गुजराती लोग का किताब पढ़, उन लोग से धंधे का आइडिया ले, समझा? अबे दूं क्या? धंधे का आइडिया है ना, म्यूजिक का टैक्स लेंगे। ये और मगज चाटेगा। नहीं तो ठीक है बेटा, कान खोल के सुन, देख बिट्टू की ट्यून। मैन गिटार बेच के पैसा किसी गरीब को दे दे, दिल से दुआएं देगा। चुप दिखले, तुझे याद है ना कॉलेज में रे पीउन के बर्थडे पर हम दोनों ने मिलके बर्थडे सॉन्ग गाया था। याद है तेरा बेसुरा गाना सुन के प्रिंसिपल भी रो पड़े थे। मैंने गिटार से बांसुरी बजाई थी। मैन तुम लोग को अब तक याद है? बेटा डिकली हम लोग रोटी पे च्यवनप्राश लगा के खाते, हमारा दिमाग काफी तेज है। मैन मैं तुम लोगों के पजामे में पटाखे सुलगाता था, भूल गए क्या? धरती गोले और हर चीज का मोले, लेकिन प्रूफ क्या है गोले? अभी लड्डू भी गोले, रसगुल्ले भी गोले, हम सब के चेहरे भी एकदम गोले, इसका मतलब हम सब भाई बहन है। फादर पापा, एक डाउट फुदक रहा है। वेरी गुड, पूछू पूछू। आपने बोला कि पृथ्वी पर जितने हैं सब भाई बहन है, तो अगर शादी करनी है तो किससे करेंगे? बीवी और गर्लफ्रेंड मंगल ग्रह से इम्पोर्ट करवाएंगे? और पापा अगर आपका शादी का दिल करता है तो आप क्या करेंगे? मैं भी अकेले में कभी कभी ये सोचते है, अगर हम सब भाई बहन होएंगे तो प्रोडक्शन कैसा होएगा? गुड क्वेश्चन। तो अभी दूसरा बात, पैसे के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, फिर चलो उससे रिश्ते नाते खरीद नहीं सकता है, तो पैसे के पीछे भागने का नहीं रहे, पैसा खाली हाथ का मैल। ए फिर से लोचो पापा, आपने बोला पैसा हाथ का मैल है, मैं तो सरफ और निर्मा से रोज हाथ धोता हूँ, नोट तो क्या चिल्लर भी नहीं गिरती। गुड क्वेश्चन, इसका जवाब मैं गूगल से देख के देगी। ये छोटा छोटा बच्चे के सामने बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं रखने के रहे। मेरे को लगता है तुमको कुछ मालूम नहीं है पापा, पायरेटेड फादर बन गए हो। हे गणपति पापा, हम लोग का रिजॉर्ट इतनी जोर से चला दे जितनी जोर से आंधी चलती है। जीसस, रिजॉर्ट में बहुत लॉस हो रहा है, ब्लेस। मेरा तो हो गया। गणपति पापा, मैंने तो अपने पापा को कभी नहीं देखा, लेकिन आप मेरे को जल्दी से पापा बना दो। हर चल सेटिंग कराता हूँ, चलना जल्दी। पापा यू आर सो फास्ट। कभी नहीं सुधरेंगे, अब आपको नहीं बोल रहा। लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी, बड़े पैर वाली तेरी और छोटे पैर वाली मेरी। हाँ सैंडल का साइज नहीं देखा रे। मिल गई ना तो ले जाकर डायरेक्ट चर्च के साथ फेरे ही ले लूंगा। देख मेरा शादी का मूड बन गया है, अभी उसको ढूंढना ही पड़ेगा। यही क्वालिटी का। सॉरी। हाँ
देख के नहीं चलते। ए, क्या रे, इससे शादी कराएगा? नहीं, ये तो डुक्कर फिएट है, वो तो मर्सिडीज थी। इसी नागिन ने अपना धंधा चौपट किया। अच्छा, अपने रिसोर्ट के सामने इसी का रिसोर्ट है? इसकी किस्मत अच्छी है कि मैं छोटा, वरना मैं पटा लेता। इसका तो धंधा मंदा करेंगे। बहुत जल्दी तेरा रिसोर्ट बिकेगा। पता है उसका धंधा अच्छा क्यों चलता है? भाई, वो खासम खास सर्विस देती है। कस्टमर ना के निकलता है तो वो टॉवल देती है, साथ में केकड़े का जूस भी। बस इतनी सी बात? हम इससे ज्यादा ऑफर देंगे। अपने हाथों से कस्टमर की पीठ मलेंगे। मेल हो या फीमेल, कोई भेदभाव नहीं, सेक्युलर रिसोर्ट। क्या बोलता है बेटू? देख भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग को धंधा फॉर्म में लाना है ना, तो कैबरे करवाना पड़ेगा। आई एम वेरी मच हैप्पी कि तुम जैसे नौजवान अपना धंधा बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर तू उसके सक्सेस के सीक्रेट बताएगा तो तेरी पगार डबल। थैंक यू। एक अंदर की बात बका। हाँ बक। वो अपने सारे अंदर के कस्टमर को खुश करने के लिए लता मंगेशकर के गाने पे मुजरा करती है। वो भी जैसा वैसा नहीं, एकदम प्रोफेशनली पुरानी दीवार पे प्लास्टिक पेंट लगा के ताता थैया कर दिया। ए, तुम भी करो ने, ब्लाउज और कापूस मैं ला कर दूंगा। बेटा, तेरी आइडिया से ना सीबीआई वालों की रेड पड़ जाएगी। गुजराती दिमाग का आइडिया लेना तो लो, वरना जाने दो। जय श्री कृष्ण। कन्फेस करने का कितना पैसा लगता है फादर? अरे फादर, पापा से पहले सवाल मैं करूंगा। मंदिर में दिया जलाते हैं और चर्च में 2x2 की मोमबत्ती क्यों जलाते हैं? उजाला तो दोनों से होता है ना। फादर, इसके सवाल का जवाब दे दो, हम लोग चलते हैं। फादर आदाब। पहले मच्छी के तेल से मेरे सर का मालिश कर, फिर मैं जवाब दे। पापा, आपके फादर भी फादर थे। मेरा मैथ्स पाइथागोरस से भी अच्छा है भाई, और तू शक कर रहा है? तो फिर तू इतनी टेंशन में क्यों है? टेंशन यानी माने पसीना तो है नहीं, किधर टेंशन। सु थयो एक हफ्ते का आलू प्याज 15,000 का, उल्लू समझाए? अरे भाई, ऑर्गेनिक लाया था मैं, 1 किलो, वो भी 200 रुपए की। बका इम्पोर्टेड कांदा था। इम्पोर्टेड कांदे में खास क्या होता है? अरे उसे काटते वक्त आंख में आंसू नहीं आता। ये मोटे भाई, आई लव जुम्बा गर्ल्स, इनको देखकर लगता है जुम्बा ट्रेनर बन ही जाऊं। ट्रेनर बनेगा? फ्री टाइम में किचन में बैठ के बर्तन मांजने का और अब से सामान लाने का काम मैं करेगा। ठीक है सारे काम तुम करो, फोकट में पगार मेरे को। ए, लेके जा। अब ये कांदा लाएगा ना, उससे आंख से नहीं हर जगह से आंसू निकलेगा। छोटा भीम कहेगा ऐसे मत देख, कुछ होता है रे। ये जुम्बा बुरका पहन के नहीं हो सकता क्या? मैन थोड़ा पेट अंदर। जुम्बा मैया की जय। सॉरी गाइस। देखली क्या कर रहा है, मेरी क्लास बंद करवाएगा क्या? अबे नहा भी नहीं क्या? ए मार लो। हे बड़ी, छिट्टा है तो सॉरी। हाँ बांधा नहीं। जूस वाला जूस। चलो सब अपनी प्याज बुझाओ। आप ऑरेंज वाला उठाइए। हे थैंक्स। और तुम्हारे लिए सेब वाला मोट मार लो। मोट मार लो मैन, ये तो मार लो के पीछे ही पड़ गया। मोट मार लो। ओके मोट मार लो। मार लो मार लो। MAUDE मोट मार लो। तुमको देखकर ऐसा लगता है दिव्या भारती जो एक्ट्रेस थी ना, वो तुम्हारे रूप में जन्म लेकर वापस आ गई है। ओह थैंक यू। बराबर ना रे। कौन सी तरफ से? अबे पीछे की तरफ से। शायद तूने गौर से देखा नहीं इसको। इसकी तो तुम्हारे दांत कितने चमकीले हैं। हे ब्रो, व्हाट आर यू डेयरिंग ब्रो? रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज़ वुमेन इज मदर। आ गया अंग्रेज की सातवीं औलाद। ये कौन से देश की इंग्लिश बोल रहा है? अरे ये मराठी मीडियम से इंग्लिश पढ़ा है, गोवन इंग्लिश बोलता है। हेलो, कम मत समझ मेरे को, मैं स्कूल ही नहीं गया क्योंकि मेरे घर के 5 किलोमीटर तक कोई स्कूल ही नहीं था। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। प्लेन में कोई चेन खींच दे तो चौथे गियर पे कैसे रोकेगा? मैं पढ़ाई कर ले, आजकल जाहिलों को कोई लड़की नहीं देता है। मैडम, कॉलेज की प्रोफेसर मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने उसे हकाल दिया। अपन ने सोच लिया है शादी करेगा तो अनपढ़ जाहिल और कंवारी से, अगर पढ़ी लिखी से किया तो वो आके अपन को ट्यूशन देगी और अपन फिर से ABCD नहीं सीखना चाहता। Right. इसको कैसे उठाऊं? मार्लो, तेरे को लीवर खराब करने वाले शौक नहीं है क्या? हाँ है ना, चल ना बेड़ू। शक्ल से इच बेवड़ी लग रही है, आजा। अपन आ रहे लिया? जा रही ली और बोल रही है आ रही ली। ए रुक रे। ए वाइन है, विस्की है, देसी ठर्रा है। अबे कौन
ये ले पकड़, मैं जाके शीशे में से झांकूंगा। अपन पीते पीते वीडियो बनाएंगे। हमारा मतलब MMS ना? What? I mean, हम पीते पीते सेल्फी खींचेंगे। एक बात कहूंगा, तू बहुत रापचिक है। थैंक यू। बेवड़ी गई की। ये देख मैन, इसे पीते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब है क्या, पानी में डाल के पीते हैं? Shut up, man. ये शरबते जवानी है, पता है? ये ढीले लोगों के लिए बनी है। जरूर नेपाली लोग ने बनाई होगी। इसके दो घूंट मारने के बाद सुस्त कछुआ भी खरगोश की स्पीड से भागता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी मैं भी इसे किसी पे ट्राई करने वाला हूँ। कौन है रे वो? मोड मार लो। ए, वो मेरी स्टूडेंट है, उसको देखकर चार लोग और आते हैं, दूर रहना उससे। तू क्या उसको मोरल साइंस पढ़ा रहा है क्या? जब देखो जुम्बा 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 तो करता है। जुम्बा को कुछ मत बोलिए, फोड़ दूंगा। देखना एक दिन जुम्बा तेरे को लेके डूबेगा। तेरा क्या प्लानिंग है रे? जैसे ही इसका जुम्बा खत्म होगा मैं अपना जुम्बा शुरू करूंगा। कहाँ ले जाएगा? गरीबों का सहारा, रिजॉर्ट हमारा। अबे डॉगी भी अपनी जगह साफ करके बैठता है तो अपनी जगह गंदी करेगा? देख घंटा बजा, सही बात है। मैन तू बीच में मत बोल, और तू भी, सपने में तो मैं उसे बहुत पहले अपना बना चुका हूँ, अब उसे रियल में अपना बनाऊंगा। तेरी उसकी बगलें देखी कभी? बालों के पीछे दांत खाद खुजली भी है। ऐसा क्या, बस 12.5 रुपए का खर्चा है। बीटेक्स का नाम तो सुना ही होगा। डिकली मिल बांट के खाएंगे। वो क्या गुजराती थाली है? तेरा स्टील कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होगा। तो ठीक है, उसे बहन बना ले अपनी। चल बक, हप। तो फिर मेरे और उसके बीच आना मत, समझा? जिस तरह अमेरिका चाइना से लड़ नहीं सकता, वैसे ही तू मेरे से नहीं लड़ सकता। तू नहीं चाहता क्या कि मेरा घर बसे? उसे अपनी भाभी समझ। एक नंबर का हलकट है तू, मैं उसको बहुत पहले से लव करता हूँ। लो एक और ठरकी। मैंने नारियल के पेड़ से उसका जुम्बा देखा है। तुझे देखते हुए शर्म नहीं आई क्या? खाली घूरम घारी हुई रे। क्या मतलब? लेकिन प्रॉब्लम है। क्या? अरे मंजा, मैं महाराष्ट्रियन हूँ ना। अच्छा हुआ तूने माली की तरह उस फूल को संभाला है, अब दूर हो जा। माना औरत का दिल बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम दोनों को उसमें जगह दे देगी। काय करता हूँ मराठी मानूस। अरे दिल्ली तो दूर ही रहे। देख तुम मलम बिलम लगा के उसके साथ कुछ करना नहीं है प्लीज। कुछ करेगा तो मैं फिनाइल पी के अपनी जान दे दूंगा। दे देना। देख कल उसके एड की शूटिंग होने वाली है, जब वो खत्म करके परसों आएगी तो मैं उसे ले जाऊंगा। खुद की छाती के बाल का पता नहीं उसकी जुल्फे गिनने चला है। इश्कबाजी वो करे जो जान की बाजी करे, खुद तो बेचारा भूखा रहे, माशूक को राजी करे। मेरा श्राप है, तू उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। चल देखते हैं, तू चाचा बनता है या फिर मैं मामा बनता हूँ। देखना एक दिन इसको खेकड़ा डंग मारेगा। और तेरे को बिच्छू। जब सुनामी आई थी तब किधर था रे तू? ए बक्का, जैसे ही सुनामी आई मैं सबसे लंबे वाले पेड़ पे चढ़ गया था और 5 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पी पी के जिंदा था। पूरा बॉडी डिटॉक्स हो गया था। अबे तेरा जुरासिक पार्क का जबड़ा है जो दांत से नारियल छील लेता था। क्या रे, तूने सरिता को नहाते वक्त वीडियो कॉल क्यों किया? मेरे फोन में आउटगोइंग ही नहीं है। झूठ मत बोल कल्पेश। मैं खाली ये चेक कर रहा था कि उसका कॉलर ट्यून कौन सा है। अबे वीडियो कॉल करने पे कॉलर ट्यून तेरा बाप बजाता है क्या? खूबसूरत होना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। औरत के झूठे आंसू तेरे को बर्बाद कर डालेंगे और मेरे जैसा कारीगर किधर नहीं मिलेगा। औरत को हर जगह छूट होती है और आदमी को दंड होता है। घबरा मत, मैं हूँ ना। बर्तन मांज मांज के मेरे हाथों की लकीर फैल गई है। अब से तुम बर्तन मत धोना। अब देखा कैसे गेट आउट किया उसे? कस्टमर भी गेट आउट हो जाएंगे अगर इसको आउट किया तो। उसको मैं सीधा करेगा। वो कैसे? देखता जा। अंग्रेजी देख देख के पक गया, आज हिंदी देखता हूँ। आजा आजा। इसकी मस्करी को अभी किरकिरी करते हैं। फोन लगा इसको। भाई किधर, सीसीटीवी तो नहीं है ना? आजकल भरोसा नहीं भाई। सिम कार्ड बदलो। हाँ बदला ना। बैठिए। जल्दी लगा। इन्हीं माँ ने अभी तो शुरू हुआ था। हेलो। हेलो, कल्पेश पारिक बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ, शुभ काम से। उसको पूछ क्या पहना उसने। मेरा काम कुछ अकेले वाला है। जवानी जिंदाबाद। अबे देख लेगा, मुड़ जा मुड़ जा। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? तुम कैसे हो जानू? मैं तो अच्छा हूँ, वैसे तुम देखने में कैसी हो? मेरे को देख के ना भजिया वाला भजिया तलना भूल कर वड़ा पाव तलने लग जाता है। मैं जुम्बा भी करती हूँ। आई लाइक जुम्बा गर्ल। अरे कल्पेश, रात को जुम्बा जुम्बा किसके साथ खेल रहा है? जुम्बा नहीं, जुम्बा चुम्बा दे दे अंताक्षरी खेल रहा हूँ। ओके। सामने वाले पे दो आया दो। यहाँ से अहमदाबाद तक लड़कियाँ मुझ पे मरती है। क्यों? बचपन में मेरी माँ कहती थी कि शाहरुख खान मेरे जैसा दिखता है। मुझे प्यार की नाव में बिठा कर बीच राह में छोड़ तो नहीं दोगे ना? ए गांडी, तू ही मेरे घर में दाल ढोकली बनाएगी, ये मेरा वादा है। हाँ लेकिन मैं जागरूक ग्राहक हूँ, पहले इस्तेमाल करता हूँ फिर विश्वास करता हूँ। बंदे को कल्पेश बोलते हैं। गांडी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गली के हर टॉयलेट और शौचालय में लिखा मिलेगा, जाके खुद ही देख ले। अब प्रिया, प्रिया। हे गांडी,
शादी की डेट फिक्स करने क्योंकि हम हनीमून चंदा मामा पे खटिया डाल के मनाएंगे। फोन रख लेना, लंबी बात कर। अरे बाप रे, मेरे बेवड़े नशेड़ी पापा आ गए, मुझे फोन पर बात करते हुए देखेंगे तो मेरा कचुमर निकल देंगे। मैं फोन रखती हूँ। अरे तरप पानी टांग, ये मैं किधर आ गया? चंद्रयान पे बैठा हूँ क्या? मम्मी, अब उसका बाप भी रिजॉर्ट छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, कभी नहीं। बिट्टू अब तक नाराज है मुझसे? चल हम तीनों अपने नाम की पर्ची निकालते हैं। पर्ची में जिसका भी नाम आएगा वो मार्लो के साथ डेट पर जाएगा। चल पर्ची बना। आउच! पर्ची नहीं बनेगी। तब तो बेटा ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। सब इसकी वजह से हुआ। पकड़। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे दब रहा है ना, दब रहा है। अरे बाजू उठना रे, मोट मार लो, सिर्फ मेरी है समझे? किसी की होने नहीं दूंगा मैं। अरे मेरी चट्टी निकलेगी। अरे रुक रुक जा। गाजर को छोटे छोटे काटने के बाद उसके बीटरूट के साथ करके जूस निकलता है ना। ट्राई करना। किमचो, हेलो। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या है? कल तक तुम्हारी ब्यूटी देख के तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं थी, बट थैंक्स फॉर कॉलिंग। मतलब? तुम्हारे फोन की वजह से मेरा दिल अब गरबा खेलने लगा है। तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम ही मेरी धर्म पत्नी, तुम ही पड़ोसन, तुम ही दूध वाली, तुम ही अखबार वाली, तुम ही मेरी धोबन। इनी मासी ने जुम्बा कर करके हाथ कड़क हो गए। चल जल्दी करना, गर्दन दुखने लिए बे। ये थोड़ा झुकना रे। ए डिकली, अब हम तीनों की फोटो निकालना। लेकिन क्यों? अरे चला जा बे, मेरा फोटो मत निकालो। काय करे? क्योंकि तुम हूर और मैं लंगूर। मेरा बच्चा, चल अपन दोनों की सेल्फी मार। अरे चल, अरे शर्मा मत। क्या कर रही हो? अच्छा निकालो निकालो, छाव है इधर। सेल्फी वाला मुंह। हां मेरा मुंह अच्छा नहीं आया। चल एक और ट्राई करते हैं। ओके मैं हाथ रखूं कंधे पे? ओके हां ठीक है। वो उसे टच कर रहा है। आ जा एक टचम टच्ची। अरे वाह क्या बात है, मेरे नाक के नथुनों में उसके पसीने की खुशबू बस गई है। क्या महक है। पीछे हट। वो तुमसे लीवर खराब करने के बारे में। ओ हाँ, भेजे से सरक गया। हाँ, हाँ, हाँ। है कोई माइका लाल जो लीवर खराब करना चाहता हो? ए, इनके लीवर में उतना दम नहीं है, हम दोनों खराब करते हैं। हाँ। Bye. एक काम कर बिट्टू, चकना ले आना। See you. कौन सा परफ्यूम आ रहा? जैकमैन। 6 महीने से उसकी फील्डिंग कर रहा था मेरा प्यार। अगर मेरे को माथा टेकने के लिए उसका पल्लू नहीं मिला तो मैं अपनी दोनों किडनियां बेच दूंगा। हवस को प्यार कब से बोलने लगे? हवस नहीं, साफ दिल से बोल रहा हूँ। साफ दिल ने बुरी नजर बोल। ऐसे दोस्त के मैयत पे भी नहीं जाऊँ। हाल कट गई का। काश उसे भूत नहीं मिले और उसके रोंगटे खड़े हो। हाँ, और राक्षसनी भी। वाओ, दवाई मिलाता हूँ। धांसु व्यू है यार। ग्लास तैयार है। ये लो, अकड़ बकड़ बम्बे बो, ये तुम्हारा। चीयर्स। तुम्हें पता है कि शराब किसने इजाद की थी? ये क्या, ये तो खानदानी बेवड़ी लगती है। शायद तूने बॉटल से मुंह लगा के कभी नहीं पिया होगा, हाजमा अच्छा होता है। कैसा लगा? लगता है जलता हुआ कोयला अंदर ले लिया। तो ठीक तो है? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। मुठ मार लो, मुझे अपनी बाहों में भर लो। तूने शादी बना लिया ना? कैसे पता चला? फेसबुक से पता चला। फेसबुक तो बहुत तेज है बाप। मेरे साथ थोड़ी देर के लिए शादी करो ना। अरे जवाब दे यार। शादी तो हुई थी लेकिन बाद में तलाक हो गया। काय करे? उसके पहले से ही 4 बॉयफ्रेंड्स थे। ओ। जब पीछे देखता हूँ। मेरे पीछे? अरे तुम्हारे नहीं, अपुन की जिंदगी के फ्लैशलाइट में। मैं ये बात है अब समझी। वो शादी सिर्फ नाम की थी। मेरे को एक अंदर की बात बता। अंदर बाहर सब बताऊंगा, पहले तू एक किस्सी दे दे। तेरी लाइफ में अब तक कितनी लड़कियां आईं? 50 तो याद है लेकिन उसके बाद काउंट करना छोड़ दिया। तुम्हारी एक खूबसूरत सी फोटो ले लूं क्या? हाँ खींच ना। डबल कैमरे वाला फोन कहाँ गया? अपन तेरे को पोज देंगे। टांगों पर? हाँ ओके
से खीर। अबे निकाल ना, ये दिख क्यों नहीं रही? देखता हूँ। हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत? चाइना मेड रेडी? हाँ चल मैं पोज चेंज करती है। बाल ठीक है? नागिन पोज देती है, कैसा लगा? अच्छा रुक, पोज चेंज करती है। अबे क्या हुआ, मेमोरी खत्म हो गई क्या? फोन में लोचा है क्या? है। यार पक गए, दो घूट मारती है। चल सेल्फी लेते हैं, चल ना। सेल्फी नहीं। तेरे को चाहिए? हल्का हो के आता हूँ। ए भूत, भूत! अंदर भूत नहीं है, वो लड़की नहीं, भूत नहीं है। सब कुछ हो गया। अबे वो भूत नहीं है, एक बार फकीर को खाना खिलाया था इसलिए बच गया मैं। अब झूठ क्यों बोल रहा है? मेरी मरी हुई दादी की कसम, वो भूत नहीं है मैन। आजा आजा, ए भूत नहीं था, जूता निकाल निकाल ना। सिर्फ बाल दिख रहे हैं देख। अरे फोटो आ तो रही है, कहाँ है भूत नहीं? लगता है इसने मेरी नियत भांप ली थी। भूत ने कहे कि भूत का इसे मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? ए रुमाल रख दिया था, मार लो। अबे अपनी बगल सूंघा दी क्या इसे तूने? मैन बगल सूंघती तो चार दिन तक नहीं उठती, इस देसी ने विदेशी सूंघ ली है। तेरी तो येड़ा हो गया रे। मेरा विश्वास नहीं किया तो दोनों को काट के यही भूत बना दूंगा। विश्वास कराना था तो साथ में लेकर आता ना, अकेले आ गया कमरे में। उठा इसको और हॉस्टल छोड़ के अभी के अभी। मैं इसे जल्दी से उठाओ नहीं तो क्रेन मंगवा के बाहर फिकवा दूंगा। तू मेहरबानी मत कर, इसके गोरे बदन को अपने काले कंधे पे डाल के हॉस्टल छोड़ के आऊंगा। ए हाथ मत लगाना रे, ए भूत नहीं है ना, सिर्फ मैं ही छूऊंगा। मोट चिल्लाए क्यों बे? भूत नहीं मैं ही हूँ, मेरी चप्पल बाहर रह गई। मार लो, उठो मूठ मार लो। इसकी फोटो यहाँ लेकर देखता हूँ, बहुत उछल रही है, फ्रेम ही नहीं आ रही। कमरे के अंदर तो इसकी फोटो नहीं आ रही थी, बाहर कैसे आ रही है? घंटेश्वर मैन, मैन मेरा एक काम करेगा क्या? ए बेरे, जिसे देखकर तुझे बहुत गुस्सा आता है ना, जल्दी से वही मिरर लेकर आ। तू एक काम कर, एक उल्लू पकड़, उसकी आंखें निकाल के उसमें सीसीटीवी फिट करके उसके पीछे छोड़ दे, भूत होएगा तो नहीं दिखेगा। अगर तेरे जैसे दोस्त रहे तो ये रिसॉर्ट बंद करके हरिद्वार जाकर हरी हरी सब्जियां बेचनी पड़ेंगी। मेरी बात मान, वो भूत नहीं है। क्या बंडलबाज फेंक रहा है? हेकू तेरा बाप, तेरे को समझाना ठंडे तवे पर रोटी पकाने जैसा है। मेरी वीडियो बना रहा है, टिकटॉक पे डालेगा तू? चल डिलीट कर। नहीं आता। अगर नहीं किया तो सोते वक्त तेरे पजामे में झिंगुर छोड़ दूंगा। चल डिलीट कर। ए क्या बकवास करता है, बदनाम होने पे ही तो नाम होता है। ठीक है करता हूँ। ओके लगता है ये पीली भीत से और काला जादू जानती है, वरना इसे कैसे पता चलता कि मैं शादीशुदा हूँ? वो भांडा मई ने फोड़ा। तेरे को दोस्त की उछलती जवानी पर तरस नहीं आया? अरे खबीस, तेरे से पहले उस पे मेरी नजर थी। उस पे तेरे नाम का ठप्पा लगाया क्या? नहीं लगाए तो लगा दूंगा। एक बार फिर से चेक करता हूं। वन टू आती मैं। ओके वो आ रही है, पकड़ी से। मैं नहीं पकड़ूंगा। ए फोटोग्राफर की औलाद, मेरा फोटो क्यों ले रहा है? तब से मैं देख रही तेरे को। पीली भीत की भूतनी, भागो यहां से। भूतनी पूरा गैला कैसे यार? उस हाथी के बच्चे को लगता है कि तुम भूत की बच्ची हो, इसलिए ऐसा करता है वो। मैं और भूतनी, ओ माय गॉड, और मैं उसके साथ डेट पे गई। हाँ, लड़कियों का हिसाब भी शाने का वजह से है, हमेशा टट्टी पे ही बैठती है। मेरे को धोखा दिया तो बदला लो। अब तो मैं उसकी बजा के रहेगी, देख कैसे मैं उसकी लूंगी में पटाखा फोड़ती है। तुम पटाखा फोड़ो, बारूद मैं लाऊंगा। ए तू अपन को डेट करेगा क्या? अपन तेरे को लव करती है और तेरे साथ जुम्बा करने को मांगती है, क्या बोलता है? सिर्फ जुम्बा ही काई को, अपन जुम्बा बुम्बा सब करेगा। आ रहा है या नहीं? यस, और अपन ऐसा आएगा कि कभी वापस जाने का नाम ही नहीं लेगा। उंगली करने का टाइम आ गया है।
अबे फफूंद के छिलके मैं मर गया हूँ जो तुझे डेट करेगी। ए? आहिला? ए? देख मेरे डेट के बीच में बांबू उड़ेगा तो मैं तुम दोनों को मार के खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी मत कर, तेरा ये दोस्त तेरे लिए बलिदान देगा। मैं कोशिश करके भी उसे तेरी भाभी नहीं बना सका, लेकिन तू उसे मेरी भाभी बनाएगा। इसे चोर पॉकेट में रख, इससे तेरी हिम्मत बढ़ेगी, इस्तेमाल करना है। अच्छा एक काम कर, किचन में जाके दूध छुहारे पका ले, कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज सुबह गाजर मूली चुकंदर का जूस पिया कर, उससे बॉडी लोहे जैसी हो जाएगी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरा नाम खराब ना हो। अरे मान लिया यार, तेरी बॉडी बहुत कड़क है, हट। मेरी दुआ है तेरी मुराद कभी पूरी ना हो। ए डिकली, कल्पेश का फोन आ रहा है। उठा उठा उठा। हेलो जानू, शावर लेते समय तुमको ही याद कर रही थी। हेलो, अरे कुछ बोल नहीं रही। तो लगा हम लोग जाकर देखते कि वो कहां पर है। फोन पे एक पप्पी दे दो ना। देखना मैन, मैं उसके अरमानों का कैसे फुटबॉल बनाता हूँ। ऐसी किक दूंगा, बिल्कुल ऐसी। पहन ले साड़ी, पहन ले। अबे देख, ये तो हमारे बेड पर सो रहा है। मन कर रहा है इसे इसी के नाड़े से फांसी दे दूं। अरे चादर किधर गई, पैर पे मच्छर कट रहे। ये देख डिकली, इसका फोन तो वहीं पर पड़ा। हाँ यार, तो फिर घंटेश्वर के फोन पे इसका नाम क्यों आया? क्या मतलब? अगर कल्पेश ने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब भूत। अरे सुन, तुम्हारे पास कितनी बॉक्सर है? अबे फोन रख, वो कल्पेश नहीं है। फिर कौन है? वो तो सपने में पेटीकोट सी रहा है। कल्पेश, मुझे सुन रहे हो ना? कट होगी। मैं बोलता हूँ ये मार्लो का भूत है। बस कर दे डिकली, गलती से डायल हो गया होगा। भूतों के पास आधार कार्ड है जो सिम कार्ड होगा। मानते क्यों नहीं मैं? भूत लोग का तो फोटो भी नहीं आता। इनको भूत दिखना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, सुबह उठ के मेरे को मार्लो के नाम का पुलअप्स मारने का है। सो जा चल। लटकेश्वर, गुड मॉर्निंग मार्लो। उसको बगल सुंगा रे। इसके पसीने के बदबू से मेरे को अस्थमा हो जाएगा। ये हम लोगों का फोटो टॉप एंगल से किसने निकाला रे? लगता है भूत कैमरामैन था, हर एंगल से फोटो निकाला है। देवा शपथ, क्या क्लैरिटी है उसके हाथों में। अरे ये उठ रे, फुटबॉल ही बनाना पड़ेगा। अबे कुछ टूट फूट जाता तो। ये देख बिट्टू। अरे उठ के देखना। हम लोग तीनों फोटो किसने खींची बे? तूने फोन छत पे टेप से तो नहीं चिपकाया था ना? अबे लटकेश्वर दूं क्या एक? अगर फोन चिपकाता तो तेरे बगल में कैसे आता? अरे सेट की नहीं तो लगी हुई है। तो किसने आके ये कलाबाजी दिखाया? तेरे लॉकेट में तो कैमरा नहीं है ना? ये पीटेगा मेरे हाथों। देवा, ऐसा ही भूत का मिस्ट्री इधर रहेगा ना तो वॉल बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। कल्पेश ये बता, ये क्या है? केजी का बच्चा भी बोलेगा पेप्सी कम है और इससे तू कम हो जाएगा। बोलो क्या काम है भाई? उत्तर चाहिए। सही जवाब पे क्या मिलेगा? तेरे को ये रिसोर्ट तोहफे में दे देंगे। रिसोर्ट बनने से पहले यहाँ कोई शमशान घाट तो नहीं था? तांत्रिक यहाँ घोड़ी का फेरा हुआ था इधर। खुल के बोलना। हमारा मतलब भूत प्रेत या किसी का खून बून? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अगर खून हुआ होता तो टीवी और न्यूज पर कुछ तो आता ना। हाँ वही तो। अच्छा वो छोड़, ये रिसोर्ट बनने से पहले इधर क्या था बोल? हमने सुना है कि यहाँ तेरे बाप का पानी पूरी का ठेला था। और तेरी माँ उनके पास पानी पूरी खाने आती थी? एक बार तेरे बाप ने तेरी माँ को ऐसी पानी पूरी खिलाई कि उन्होंने उल्टी कर दी और डायरेक्ट तेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही बना। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना और उनका डेथ सर्टिफिकेट बना। और बाप तो पहले ही म्युनिसिपैलिटी वाली आंटी के साथ भाग गया था। मतलब तेरी दो मम्मी है? बहुत लकी है ये। ज्यादा शक्कर नहीं खाने का, उसे शक पैदा हो रही। कल मैंने एक न्यूज देखा जिसमें एक भूत एक स्कूटर में घुस गया था, फिर एक पादरी ने पेट्रोल फूंक के दिया, उसको स्कूटर में डालते ही भूत भाग गया। फादर, क्या भूत भी इंसानों की तरह भागते हैं? तुम भी कल्पेश के जैसे गुड क्वेश्चन पूछो। हाँ। मैं बोलेगा तुम भूत है तो क्या तुम मानेगे? भूत और हवा कभी दिखते नहीं है।
लेकिन फिर भी महसूस होते है। फादर जब खांसते तब नहीं दिखता है, लेकिन खांसी का आवाज सुनाई देता है और जो थूक निकलता है वो दिखता है। भूत का भी ऐसा ही है ना? Not a good question. भूत कभी भागता नहीं है रे, वो अपना उल्टा पैर पे चल के जाते। फादर क्या आपकी कभी भूत से मुकालात हुई है? आप मिले उनसे पर्सनली? हमारे उसके साथ रोज का उठने बैठने। तो फिर उसको आने के लिए बोलो ना, हम चाय पानी पिलाएंगे। तुम हमको क्या समझ दिए? बोला ना उसको महसूस कर सकता है। फादर मेरे दिल में छेद है, लेकिन मैंने पीओपी से बंद करवा लिया क्योंकि भरी जवानी में मैं मरना नहीं चाहता। फादर मरने तो मैं भी नहीं चाहते। फादर आप मेरे लिए व्रत रखो ताकि भूत मेरे निकट नहीं आवे। God bless you, child. God bless me also. ए फादर, वो प्लस का चिन्ह मेरे भी डोके पे रखो। भगवान मेरे को हमेशा भूत से प्रोटेक्ट करे। फादर आपके पास और ऐसा क्रॉस का चिन्ह है तो मेरे को दे दो, मैं पॉकेट में रखूंगा। ये एक क्रॉस 1 करोड़ की बराबरी। फादर इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। अबे मारूंगा 100 गिनूंगा। एक अनब्रांडेड कपड़े पहन के ये रिजॉर्ट खड़ा किया है, किसी एक को भी पता चल गया यहाँ पर भूत प्रेत है ना तो पता धंधे का क्या होगा। लेकिन भूत कभी छुपता नहीं है। तुम दोनों अपना ये भूतियापा बंद करो, धंधा चौपट कराएंगे। लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए संजू बाबा वाली, विद्या बालन वाली ना, जो डर्टी पिक्चर में थी। हाँ भाई, उसमें संजू बाबा को एक बीमारी हो जाती है, वही तुम्हें भी हो गई है। ओह, केमिकल लोचा। अबे काय का लोचा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पगलेट, गारंटी फिनिश। बचपन से चाहता हूँ भूत देखे पर दिखा नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। लगता है बिट्टू को भूत ने पकड़ लिया। जल्दी चल, चल, आ रहे हैं, चल जल्दी। बिट्टू मैन। ए बेटा किधर है तू? बिट्टू, ए बिट्टू, पलंग के नीचे छुप गया। कहाँ गया? कहीं भूत ने तो चीखनी मारी। हेलो, डरा मत रे, आजा सामने आ। लगता है ये 5-6 लाख रुपए का खर्चा देगा, अटक बिटक आएगा इसकी वजह से। किधर बे? अरे ये उठना, ये तो सच में बेहोश हो गया। तू कौन? मैं बिट्टू, सेक्टर नंबर 12, तुम लोग के साथ मस्ती कर रहा था। ये भी क्या? अब मैं कहाँ सोऊंगा? कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने का सोच रहा हूँ। लेकिन कमाएगा कैसे मैं? सोच रहा हूँ समंदर में खुदकुशी करके भूत बन के लोगों को डराऊं और पैसा कमाऊं। भूत लोगों का अकाउंट तो खुलता नहीं, तो पैसे जमा कराएगा कहाँ? अरे वो अपनी मार्लो है ना, उसके हाथ में लाके दे दिया करूंगा। मैन तूने मेरी मार्लो को छीन कर बहुत बुरा किया। यार उसे देखने कभी कभी मेरे घर आ जाना। कैसी बात करा, इंडियन लोग रिश्ते निभाते हैं। मेरे को शादी करके फंसने का नहीं है। तुम लोगों का नसीब लकी है, कम से कम साक्षात दर्शन तो देती है। मेरी ब्यूटी तो तभी मिलती जब उसका पति ड्यूटी पे जाता है। वो जो जुम्बा कराता हूँ ना मैं, वो डांस नहीं होता, मेरे अंदर की तड़प तड़प के निकल रही होती है। ये लगा कहाँ से लाया? मांग के लाया। तुम लोग कल डर के मरे नहीं ना उस खुशी में। तू तो फ्री की गाली भी खा ले, ये तो आइसक्रीम है। तू फिर से दोस्ती बढ़ा रहा है? अरे रिश्वत दे रहा है ना। तूने कभी करेला मल कस्टर्ड आइसक्रीम खाई है? क्या? मेरा मतलब कैरमल कस्टर्ड। इसको किसी दिन मिर्ची फ्लेवर खिलाऊंगा मैं। ओ, इसको। कभी आइसक्रीम को गरम तवे पर रख के खा, पति ड्यूटी पे गया। ए तुम लोग खाओ, मैं आता हूँ। अरे जाकर चल रही ना, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। अबे यही बात कर ले मैन। अरे कुछ तो झोले रे। कोहिनूर। हाय मेरे दड़ियल, क्या कर रही हो? तुम्हारी याद में कौन से पॉपकॉर्न हो गई हूँ? तो कैरमल डाल के कैरमल पॉपकॉर्न बना दूँ? सिर्फ शक्ल दिख रही है, थोड़ा पीछे जाओ ना। सिर्फ देख के ही काम चलाओगे? मेरी बाहों में आने का मन नहीं करता क्या? तुम्हारे सीने को अपना तकिया बनाना चाहती हूँ, घर आ जाओ ना। घर पे पति से मिलवाना चाहती हो? मैं कॉल कट कर रही हूँ। अरे मजाक कर रहा था मेरी कोहिनूर। एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ, थोड़ा झुक के। बिट्टू डार्लिंग है ठरकी, लेता है मेरी फिरकी, है बहुत बड़ा फ्लर्टी, करता बातें है डर्टी।
कैसी लगी? खट्टी मीठी। थैंक्स। बनियान में बाल चुभ रहे हैं, उतार देता हूँ। मोटे हो गए हो। शर्म का पर्दा उठाओ ना, कितने दिन हो गए। बिट्टू भूल गई, बिट्टू डर की है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑनलाइन मैं ये पहली बार कर रही हूँ। अरे ऑनलाइन में ही सेफ है, कमरे में सेफ नहीं होंगे। प्लीज वॉलपेपर चेंज करो ना। ओके। तैयार हो जाओ भाई लोग। 1 2 3 कैमरा बंद किया क्या? हस्बैंड घर आ गया? तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, कनेक्शन कट रहा है। मैं भी कनेक्शन कट कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। अरे किससे डर रही हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। ठीक है, मैं दिख रही हूँ ना? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। बिट्टू डार्लिंग, तुम सब देख रहे हो ना, और नहीं देखने का नाटक कर रहे हो। ये देखो, ये दिल पहले देखा था तुमने? मैं वापस फोन करता हूँ। ओके, पर जल्दी करना। हवा की तुम, लो तुम छल्ले भी आ गए। अरे इधर से, अब यहां से नहीं, वहां से कैसे? शीशे में से फादर, भूतों से बचने का कोई रेनकोट आता है? फादर, भूतों से लड़ना आता है ना? भूतिया मंत्र याद है ना? साइलेंस। खांडवी गार्डन में घूम रहे मासी ने। चुप बैठ। भूत ये मिरर के पीछे? जी फादर। अरे फादर, पापा खुद की शक्ल देखा होगा, भूत आया था। उन लोग के पास टाइम है क्या? बहुत बिजी चल रहे वो लोग। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी। मेरा नाम काहे को खराब करता है? बाहर निकल फादर आए। क्या फादर पापा, सीधा पिचकारी मारो ना, इधर तो दाग रहेगी। ये चुप बैस। सॉरी। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, प्लीज लीव दिस प्लेस। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ गॉड। ये बाहर निकल जाओ जल्दी, प्लीज लीव दिस प्लेस। बाहर निकल रहे जल्दी, बहुत देर हो गया। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू, कम ऑन, वी आर ऑल डाइंग टू सी यू, कम फास्ट। अगर तुम नहीं आया तो हम इधर से जा रहे। क्या फादर, काश में चिरान पड़ गई। ए भूत ब्रो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज डोंट टच मी, आई एम सॉरी। चलो उतर, मैं नहीं आएगा इधर के लिए, चल इस गेम में, चल छोड़ दिया। रिजॉर्ट लेने से पहले किसी अघोरी बाबा को बुलाकर चेक करना चाहिए था कि रिजॉर्ट भूत प्रूफ है कि नहीं। तुम लोग काहिल हो, काम चोर हो, निकम्मे हो, निकट्टू हो। तेरी और तू भाड़े का टट्टू है। तूने मुझे मारा तो क्या तेरी आरती उतारू? पता है ना मैं भूतनी से डरता हूँ। मैं बोल रहा हूँ हमारे घर में भूत नहीं है। केरला इतना खाली खाली है, वो तो कहीं भी जा सकती है, हमारे पास क्यों आएगी? इसने थप्पड़ मारा है, सुनाई नहीं दे रहा। कान की मैल हटा के सुन, तूने पहली बार भूत को अपने मोबाइल पे देखा? अरे मैं देखा नहीं है, तभी तो भूत बोल रहे हैं उसे। एक ही बात है, कल्पेश का वो फोन का हादसा और अपनी ग्रुप फोटो तेरे फोन पे आई थी, बराबर? हाँ बराबर। और जब तू मोबाइल पे गर्लफ्रेंड के साथ कपड़े कपड़े खेल रहा था तब भी भूत नहीं आई थी? बिल्कुल, मोबाइल मतलब खराबी हमारे मोबाइल में है, और हम चाइना की जगह कब से भूत को दोष दे रहे हैं। बात तो सही बोल रहा है मैन, लेकिन वो ठकठक की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे बगल के कमरे में अंग्रेज जोड़ा रहता है ना। हाँ। उनके कमरे से ठकठक की आवाज नहीं आएगी तो क्या हमारे कमरे से आएगी? बात तो सही है। अभी सिटी सेंटर जाके जिससे सेकंड हैंड में ये खरीदा था ना, उसके मुंह पे मार के आता हूँ, ना रहेगा फोन ना रहेगा भूत। तू तो तांत्रिक हो गया मैन। और नया मोबाइल का क्या? EMI पे और गया तो ये ले। अब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अबे नींद की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंज करा लेते हैं ना, फेंकने की क्या जरूरत है।
मेहनत की कमाई से खरीदे थे, एक्सचेंज करा लें। जाने तो जाने, सीधा समंदर में फेंक दे। फिर भी सालों से ये मेरी रातों का हमसफर रहा है। उन महान लोगों को याद कर जिन्होंने लैंडलाइन के दौर में जन्म लिया था। अरे वैसे भी ये मॉडल्स पुराने हो गए हैं, फेंक दे। नहीं हो रहा यार। अगर तेरे से नहीं होता तो मैं फेंक देता हूँ। आइडिया को मार गोली फेंक। ईश्वर पहले सुन, फादर हमेशा हमें दो टके का लुखा समझता है तो और गिरी ही नजरों से देखता है। आज ये फोन उसके मुंह पे मार देते। मतलब मेरे साथ चल और देख अपने भाई का कमाल। क्या कर रहे हो तुम लोग? वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग। समंदर का फ्री ऑफ कॉस्ट हवाई खाते, बदले में उसको कुछ देते कि नहीं? कभी भी कुछ लेने का तो वापस देने का। आपकी इन्हीं बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। जब से मैं भूत को भगाया वापस तो नहीं आया वो। अरे नहीं 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 आया। इसको बोलता है खुद भाग के भगाने का टेक्निक। अच्छा। जब मैं उधर से भागा तो भूत मेरे पीछे भागा और हम लोग आपके पीछे भागे। फादर आज से आपका नाम भगोड़ा। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी? फादर मैंने एक भूत भगाओ बुक में पढ़ा है कि फ्री में भूत भगाने से भूत वापस आ जाते हैं, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये फोन जब हमने खरीदे तो एक की कीमत 70,000 थी, ये तीनों आपको देना चाहते हैं। रियली? यस फादर। वेरी गुड। जरा सोचो ये फोन से इतना मान फादर बात करेगी। मेरा पुराना फोन 2 मेगापिक्सल विदाउट कैमरे। आपको कैमरे की क्या जरूरत है? कैमरे से बहुत कुछ कर सकते हैं, फोटो निकाल सकता है, वीडियो निकाल सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं पिक्चर भी देख सकते हैं, एमएमएस भी बना सकते हैं, वीडियो कॉल पे कन्फेशन भी ले सकते हैं। फादर हम लोग सोच रहे हैं आपको 3 नहीं बल्कि 2 ही फोन। अरे बन काई के लिए, डोंट वरी, मैं तीनों फोन यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक ट्विटर के लिए यूज करेगा मैं। फ्री वाईफाई किस दिन काम आएगी रे? आप बहुत तेज है फादर। लास्ट टाइम चर्च में 2 वक्त लोग ने मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछा, मैं क्या जवाब देगी? शर्म का मारी शट डाउन हो गई मैं। अब जवाब दे दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। फादर इसमें डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लो। तुम्हारे भला करे। अब कौन है बे? क्या कर रहा है मामू? चूम रहा है कि थूक रहा है? अबे चूमू या थूकू तुझे उससे क्या, तू किस पेड़ का नारियल है बेगंजे? फादर वैसे ये है कौन? दिस इज जॉन। बहुत ऊंची चीज है, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। ओह, लेकिन इसके सर पे तो एयरपोर्ट बना हुआ है। मैं डिकली, तू कौन? जॉन डॉन बॉस्को। सुनके तो स्कूल का नाम लगता है। चल एक पहली बूझ, मेरे बाप पे रोशनी डाल। तेरे बाप का कोकेन का धंधा था ना? हाँ, कोंकण में। आप उनकी हिस्ट्री सुनेगा तो तेरा ज्योग्राफी हिल जाएगा। सुनाना। अपन पैदा हुआ हिंदू के घर में, बाप मुस्लिम। हाँ। और पाला कैथलिक ने। हिंदुस्तान दिल में और सारी भाषा जुबान पे, कसा का है भरा है। ये अभी चाइनीज भी सीख रहा है, वैसे मेरी इसकी मदर है। हाँ, मेरी की औलाद है। हाँ, लेकिन मेरी ने तो शादी नहीं की थी फादर। मतलब मेरी आप उनकी फर्स्ट कॉपी मदर है। अरे ये टकला तो लंबी लंबी छोड़ रहे। इसके टकले भी नहीं जाने को, ये मेंटलिस्ट है। मतलब पागल है। मैं नाक के रास्ते घुसता हूँ और कान के रास्ते से निकल जाता हूँ। मेंटलिस्ट। राजगढ़ पुलिस वाला और सीआईडी भी इसका मदद लेते, मालूम तुमको? सही बोले ना मैं? क्या फादर, मैं खटमल छोड़ू क्या? इसको मामूली नहीं समझने का, समंदर में से चवन्नी निकाल के दिया मेरे को ही। अरे मतलब ये तो मेंटल है। मेरी जो चड्डी गई थी ना, वो भी ये निकाल देगा। ए टकला जॉन, मैं लोगों की नजर में गिर गया हूं। मेरे को हाथ पकड़ के उठा दे रे बाबा। ऐसे मजाक नहीं उड़ाने का जॉन, कुछ करके दिखाओ। तुम्हारी इज्जत का मसला डूसे करते है। जाने दो डैडी, बच्चे लोग लग रहा है। देख जॉन, तेरा इंट्रो हो गया, बीच गंदा मत कर, चल निकल अभी। हवा तेज है, लुंगी संभाल, बेल्ट लगाए। अयो प्रॉब्लम, क्या हुआ? ये फोन मेरे से लॉक हो गई। ए पासवर्ड बताना। अरे पासवर्ड याद नहीं, मैं भूल गया। बाबा मी करतो है ना, फिर से आ गया कबाब में हड्डी। तेरा क्या बनता है? तेरे टकले की कसम मेरा है। ढापा तो नहीं ना? देख अभी अपनी डॉक्टरी। हाँ लगता नहीं है। हाथ साफ है ना? चल रख, अपना ही समझ। ये 50 वाला गूगली हटा। आँख आए ला क्या? हटाना। अभी मेरे को घूर, मेरी आंखों में झाक। इतने गौर से मत देख, मेरे टकले पे चीरान आ जाएगी। इसके टकले पे पेंटिंग बनाना पड़ेगा। ए गप बस, पासवर्ड के बारे में सोच, अखरोट की तरह फोड़ के बाहर निकाल। मैं नहीं सोचूंगा ताकि टकले को हैरानी हो। चल चल चल, दिमाग पे वजन डाल, याद कर। इसके टकले पे कितनी घम हो रही है। सही है, याद आ रहा है। जोर डाल। चल चल जल्दी कर। अरे कितने नंबर का पासवर्ड है यार, याद कर। ये ले, चल खुल गया। ये तो खुल गया। इसने मेरे अंडरवेयर भी ढूंढ के निकाले, सुखाने के टाइम चोरी हो गई थी। टकला भाई एक बात बताओ ना,
क्या क्या बताऊं? पर आवर पे कोई गर्लफ्रेंड मिल सकती है क्या? प्लीज। गंदी सोच है तेरी। नहीं, सिर्फ चैटिंग के लिए। कुछ ऐसा सोच जो हमेशा तेरे दिमाग में चलते रहता है। सोच सोच। आप गेस करो। चल हाथ दे। हे, इधर हाथ रख। आराम से मेरी आंखों में डूब जा। अब उसके बारे में सोच जिसके बारे में तू दिन रात सोचता है। डूबते जा। 500 मीटर हो जाएगा तो मेरे को बताना क्या? ऐसा लग रहा है इसकी आंखों से ब्लू रेज निकल रही हैं। और तूने आई ड्रॉप डाला है क्या? अगर मोड मार लो मिल गई ना। मोड मार लो। एकदम सही बोला। वो तेरा मुकद्दर नहीं, किसी टकले का मुकद्दर है। क्या भाई, तुम तो आंखों से दिमाग में घुस गए। तुम्हारी आंखें तो ड्रिल मशीन का काम करती हैं। कभी दीवार में होल मारना हुआ तो बुलाऊंगा। मेंटलिज्म। ये देख मैन, ये जॉन बंगाल में सड़कों पर काला जादू दिखाता था। मैजिक, माइंड रीडिंग, हिप्नोटिज्म, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। सच बताऊं तो ये आदमी अपने बहुत काम का है। वैसे भी रिजॉर्ट का धंधा ठंडा चल रहा है। अगर हम लोग रिजॉर्ट के बाहर मैजिक शो ऑर्गेनाइज करें और हम शो में ये बताएं कि कौन झूठ बोलता है, कौन चोरी करता है, और टिकट का दाम 10 रुपए रखें, उसके लिए मेंटलिस्ट बहुत काम आएगा। मेंटल लोग तो सुने थे, पर ये मेंटलिस्ट कोई नई बीमारी है? काम पुराना है, नाम नया है। एक बार सोच के देख। पता है, लड़कियां ही ज्यादा आएंगी अपने बॉयफ्रेंड का पोल खुलवाने, उसके बाद अपन माला माल अपनी तो निकल पड़ेगी। एक काम करते हैं, अपन लोग भी जॉन के यूट्यूब से सीखते हैं कि ये करता कैसे है। इसने जरूर शरबत में नीम की दवा मिलाकर पिलाई होगी इसे। चांस मारने के लिए अच्छा काम है। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसी नहीं लगती। कौन पड़ोस वाली? अबे क्या देख के तुम लोग तक यह गंदा कर रहे हो? लटकेश्वर, ये देख, हम लोग YouTube से पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे पास कमरा नंबर 2 की हिडन कैमरे की फुटेज है। अभी क्या सच में दिखा रहा? जा, टीवी से कनेक्ट करते हैं। हाँ। ब्लूटूथ से। जा, सब बड़ा दिखेगा। ये आईना इधर काई को लगा दिया, वास्तु के हिसाब से गलत होता है। फालतू के डायलॉग मत मार, टीवी ऑन कर। चल, ये ब्लूटूथ ब्लू कलर का क्यों नहीं होता है? जैसे ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, अरे लगा रे। अब बकवास बंद कर, नाउ लेट्स वॉच। अरे तू भी देख, स्टार्टिंग के 5 मिनट में एक काम हो जाएगा। इतनी जल्दी? और क्या। ये फेंको। अबे फेंक नहीं रहा हूं। बत्ती बुझाना। बत्ती बुझाना, फीलिंग आएगी। गुदगुदी। बाल छोड़। चल अब टीवी देख। तू पूरे बदन की दाढ़ी बनाया कर रही। अबे यार, तेरे बॉडी पे। आई जगह आवत। लगता है कोई हम लोगों का लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। अरे ये क्या है? अपन तीनों दिख रहे ले। लगता है आ गई भूतनी। पहले भूतनी मोबाइल में आती थी, अभी टीवी पे भी आने लग गई। डिजिटल जमाना है यार। डर के मारे तू किधर भी हाथ मत लगा। मैन, लाइट जला। ये जला रे मेले। अरे नहीं, और ही क्या करूं। अरे कोशिश करना जला। मैन जल्दी जला, डर लग रहा है। पहले कभी बिल भरा है क्या? टीवी ऑफ कर, रिमोट किधर है? यही था, ये रहा। बंद करके। अरे वही कर रहा हूं मैं। लामिया रखो दे। जग रहा है, बंद नहीं हो रहा है। बाहर तो लाइट है लेकिन अंदर नहीं है। लगता है वहां पे काली चादर में कोई खड़ा है। वो देख। क्या बोल रहा? कुछ भी नहीं है। हम लोग ज्यादा लाइट बिल भर दिए, जो लाइट अपने आप ऑन हो रही है। मोटर टूट गया? नहीं, जलजले वाले भूकंप जैसा। चल चल चल। अरे जल्दी चल, अभी लटकेश पर चल, हमेशा के लिए लटक जा। नहीं आऊंगा रे। मेरे को लगता है कोई ना कोई गड़बड़ी, वरना नींद में से उठ के मेरे चर्च में काय को आएगी। फादर डैडी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे को मालूम इनका शक्ल वैसे है, लेकिन ये लोग कभी झूठ नहीं बोलेगी, ये मेरा गारंटी। फादर से झूठ बोलेगी तो मैं इनको शराब देगी। फादर डैडी,
ये लोग अपन को मामू बना रहे ले। इन लोगों ने आईने में खुद के थोपड़े को देखा होगा और बोल रहे हैं कि हम लोग टीवी पर दिखाई दे रहे थे। लिख के ले लो फादर डैडी, इन लोग गंजेड़ी है। आप गंजे हैं तो हर कोई गांजा मारेगा, जरूरी थोड़ी है। हाँ, हम लोग नशा करने वाले की मैयत में भी नहीं जाते। क्या मेंटलिज्म से भूतनी को भगाया जा सकता है? देखो काली जॉन, तुम लोग को हेल्प कर सकते। मेरे गाड़ी भी किधर अटकते तो मैं भी उसी के पास जाते। उसके पैरों में गिर के उसके पैंट को कस के पकड़ो, वो हेल्प करेगी। कमान है ये फादर तो पैंट खींचने की बात कर रहा है। वो पैंट की नहीं कह रहे हैं तो फिर उनका मतलब है कि जाके पैर पकड़ो। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे धंधा भी बहुत गुड चल रहे। मैं पौंडीचेरी शादी में गए थे, उधर तुम्हारे पोस्टर देखा, मतलब तुम्हारे रिसोर्ट का। सब मेरे बेटा का आइडिया है। गॉड ब्लेस। मेरे साथ चल रहे हो ना? इन लोगों का एक काम है। यू गो, आई कम। तुम लोग एक बात चाय पी के समझ लो, अगर डर लगे ना तो डरने का नहीं, नहीं तो भूत लोग और डराते क्या? मैंने ऐसी कोई तावीज नहीं है क्या जिससे भूत लोग डरते हो? देख देख, ऐसा मान ले कि तू अचानक टपक गया। वो दिन कब आएगा? सिर्फ सोचने बोला रे मामू। देख डिकली, भूत लोग का दिमाग आधा रहता है क्योंकि वो लोग च्यवनप्राश नहीं खाते। ऐसी बहुत सी तरकीब है जिससे भूत को काबू में कर सकते हैं, उनसे डरने का नहीं डराने का। मैं खाता हूँ च्यवनप्राश। ए चुप। पर आपको ये सब कैसे मालूम? आप उनके दोस्त हैं। इससे मेरे को याद है, बर्गर के पेड़ से भूत पकड़ा वो कैसा है? मस्त है वो। पिछले हफ्ते ही उसकी एक चुड़ैल के साथ शादी हो गई, हनीमून के लिए कांचना महल गया है। वेरी नाइस। तुमको मालूम नहीं भूत लोग का कितना दुआ मिलेगा तुमको। बहुत खुश है वो दोनों। भूत बता रहा था कि चुड़ैल प्रेग्नेंट हो गई। वाह, ये तो और भी अच्छी गुड न्यूज है। एक आदमी के मरने के बाद जॉन ने उसका आधार कार्ड ढूंढ के दिया है। अब लेकिन मरने के बाद आत्मा कैसे बताएगी कि उसका आधार कार्ड कहाँ है? जॉन उसके कब्र में गया था। पूरे दो दिन तक कब्र के अंदर था। उसको पूछा, बता बेटा आधार कार्ड किधर रह गई? लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके साथ चली जाती है, और फिर कोई आत्मा से बात कैसे कर सकता है? ये आत्मा लोग रहते किधर है मैन? ये आत्मा लोग का अच्छा है, उनको प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। आत्माएं भी हमारे आसपास ही रहती हैं। बाला भैया इतना मत डरो, माँ बाप का इकलौता चिराग हूँ, बुझ गया तो है माचिस रखा करना। देख मामू, डरने का नहीं, डर के आगे भूत लोगों की जीत है। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। एक आदमी बैंक से लोन लेता है और मर जाता है, तुम लोगों को क्या लगता है? वो आत्मा चैन से बैठती है? वो तड़प तड़प के छटपटाती है और ये सोचती है कि कितनी जल्दी वो बैंक का ईएमआई भरे, और जब नहीं भर पाती तो यहाँ वहाँ भटक के लोगों को डराती है। बस इतना ही। मतलब जिंदगी के बाद भी? मेरे एक फ्रेंड से मैंने 20 लाख कर्जा लिया था, वो मर गया लेकिन आज भी सपने में आके मेरे से पैसा मांगता है। आत्माओं की अपनी एक अलग ही दुनिया है। तुम्हें क्या लगता है, उनका कोई मकसद नहीं होता? मरने के बाद वो दूसरे शरीर में जाकर अपना मकसद पूरा करते हैं। तुम लोग ऊपर वाले को मानते हो? 50-50। मैं तो बापा पे बहुत यकीन करता हूं। तो फिर आत्मा में भी यकीन करो। इतने गौर से क्या देख रहे हैं? खिड़की दरवाजे गिन रहा है क्या? तू अपने टकले पे लैमिनेशन क्यों नहीं करवा लेता? हजाम के पास जाने का खर्चा बचेगा बॉस को। अरे तेरा नाम बहुत लंबा है यार, किस नाम से बुलाऊं तुझको? सब चलेगा, बस प्यार से बुला। प्यार तो सिर्फ मार्लो से है। चल घुस जाते हैं। इसके घुसने से भूतनी और भड़के की तो नहीं, नहीं है। बिट्टू भाई, अंग्रेजों को एडवेंचर बहुत पसंद है। डॉल्फिन पे एक चक्कर मारा क्या हूं क्या? लाफा मारूंगा, चक्कर खा के गिरेगा। चल। ये गुज्जू कौन है? ये मुकेश का। टकला भाई, उसको क्या पूछता है? मुझे पूछना डायरेक्ट। वापिस है क्या रे तू? दिखने में पापी लग रहा है। नाम क्या है? कल्पेश। कल्पेश नाम है तो कल पेश होने का था ना, आज क्यों पेश हो रहा है? मैं उधर से जा रहा था, तुम्हारा चमकता टकला देख के आ गया। इधर उधर क्यों नाच रहे? इसमें क्या है? खांडवी? हर गुजराती वेज नहीं होता है, इसमें मटन फ्राई है, उंगली डाल के चख लो। खा तो लेता रहे, लेकिन तुम लोग मीठा बहुत डालते हो। नहीं नहीं, मीठा नहीं, कड़वे राई के तेल से बनाया। खा कल्पेश, कयामत के दिन भी ना तुम लोग शक्कर ढूंढते हुए मिलोगे। शक्कर डाला? अरे नमक नहीं मिला तो शक्कर डाल दिया चुटकी भर। मलासांग बनाते समय हाथ धोया था? जोर से धोया था, मतलब
अनपट्टी खुजा रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। टकलू भाई पता है बड़े बड़े होटल में खाने में टेस्ट क्यों आता है? वो नमक का नहीं पसीने के खारेपन का कमाल है, गंदगी में ही स्वाद है। आपको कैसे पता चला कि उसने बिना हाथ धोए बनाया? आप जोशी हो क्या? सिंपल है। पर बाला भैया आपको मालूम कैसे पड़ा? मैंने काला कौवा बहुत खाया। पर कौवा क्यों, मैना क्यों नहीं? कौवे का जो सिक्स सेंस होता है ना वो बहुत तेज होता है। ऐसा कौन सा ग्रेजुएट कौवा आपको मिला था? मेहमान आने की खबर सबसे पहले कौवा काए काए करके देता है। कौवे का सिग्नल काए काए, तो मैना का सिग्नल क्या है? मैना कंधे पे बैठ के शिट करती है। तू मन में मुझे गाली दे रहा है ना? नहीं दिया मम्मी कसम। नहीं रे, टांग खींच रहा था। बेटा अब तेरी टांग लंबी हो जाएगी। छोड़ आजा। कहां? ए, मेरी तरह टकला बनेगा ना तो तेरा भी दिमाग चलने लगेगा। ओ, तुम्हारा बहुत चलता है। अच्छा ये बताओ मेरी छाती पर कितने बाल हैं? 25 लाख। सही बोला मैन। रिजॉर्ट में कितने रूम है? 2 हनीमून, 10 बंदोबस्त। आशिकों के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। शादीशुदा लोग को तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए। बेचारे दो दो संभालते हैं, कितना बड़ा जिगर है। अबे उनसे तो डबल लेना चाहिए। इस वक्त भाई बाहर निकलती है। निकली। देखा? शर्मा गई। रोज टकराता हूँ। काम वाली से सेटिंग कर रहे हैं ना? नहीं। वो भी तुझसे सेट नहीं होगी। अबे डिकली जरा सुधर जा। चुप रे लटकेश्वर। डेकोरेशन अच्छा किया? घमंड नहीं किया। अरे बाला भैया, जब मैं उसका फोटो ले रहा था ना तब भूत आया था। कहाँ बैठी थी वो? यहाँ पर टिका के बैठी थी। तुम लोग सब थे? नहीं, नहीं मैं था। अकेले आया था। मेरी जिगरी दोस्त है बाला भैया। मसाला टॉनिक है? पर झंडे नहीं गाड़ पाया। इसमें से खटखट की आवाज आ रही थी। हा? अच्छा बिट्टू तू अकेला था? हाँ हाँ। क्या कर रहा था? बोलना लाजवाट तो का। वो चार्ज कर रहा था फोन को। ओ ऑनलाइन प्यार? हाँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ? प्यार नहीं व्यापार बोलो। अच्छा यहाँ सिर्फ मैं ही एक डिसेंट हूँ। हम लोग यहाँ सो रहे थे ना तभी भूत ने ऊपर से फोटो खींचा। भूत ने फोटो लिया? आजकल भूत भी फोटोग्राफी करने लगे हैं। भूत की नानाची टांग। भूत अहिया नथी, तारा दिमाग में छे। दिमाग में नहीं, सच में। बाला भैया तुम्हारे पास भूतों का आला नहीं है क्या? दूर ध्वनि यंत्र दे। क्या? मोबाइल। किच्छू नहीं है रे बाबा। थोड़ी देर रुको, आएगा। हाँ हो सकता है आटा पिसाने क्या रहेगा। मंजे बार का खाना अवॉइड, फुल टू हाइजेनिक। रिमोट दे। बाला भैया लास्ट टाइम तो भूत टीवी में आ गया था। इतनी छोटी टीवी में कैसे आएगा? छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़े बड़े यंत्र चले जाते हैं। अभी देखो ना सुई कितनी छोटी होती है, लेकिन जब चुपती है तो एक बड़ी सी आह निकलती है। एक केबल की छतरी में फिर कबूतर अटका गया। कौवा होएगा रे, कौवा वज नहीं होता है ना। मैन ऐसा लग रहा है टीवी में सैलाब आ गया। थाम। भूत यही है। बाला भैया भूत को पकड़ के जल्दी से पिंजरे में डाल दो। क्या हुआ बाला भैया? क्या हुआ से? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे। मेरी लुंगी कांप रही है। ए, क्या हुआ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अंदर की बात, भूत लोग कभी हाथ नहीं उठाते। मायला हाथ उठा तेरे। मायला क्या सॉलिड चमट दिया रे। उड़ी बाबा, आमी तो सच में उड़ रही। भैया ऐ तू रुक। ये बड़े डॉक्टर को बुलाओ, एमडी से नीचे नहीं होने मांगता। बाला बच गया, सर के बल नहीं गिरा था, वरना खोपड़ी नारियल की तरह खुल गई होती। उसकी माँ का फोन आया था, बोल रही थी धक्का क्यों दिया। अब कौन समझाए उसे। ये चाय तूने बनाई? फटे हुए दूध की। ले तू ही पी। फॉरेनरों ने चेकआउट कर लिया क्या? कल के हादसे से डर के
पैसा वापस मांग रहे थे। टेंशन मत ले, मैंने नकली नोट दिए। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? ए मैन, एक अंदर की बात पता चली है। क्या? जॉन डॉन बॉस्को इतने दिनों से हमें उल्लू बना रहा था। लेकिन मैंने भी जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी मूवीज देखी हैं, सब पता लगा लिया। तेरा तो वही हिसाब है, मारेगा मक्खी और बताएगा ऐसा कि जैसे हाथी मारा है। बेटा जिस न्यूज का पिटारा मैं खोलने वाला हूँ ना, वो बड़े से बड़ा डिटेक्टिव भी नहीं बताएगा। तो फिर? हाँ, मैरी पहले लोकल ट्रेन में बैंजो बजाती थी। लोकल में उसे एक पार्सल मिला जिसमें एक छोटा सा बच्चा था। जॉन और मैरी दोनों अनाथ थे। वो बच्चा चीखे मार रहा था तो मैरी ने उसे ग्लूकोज बिस्किट खिलाना चाहा। लोगों ने कहा बिस्किट नहीं दूध पिलाओ। बेटा जमाना फास्ट फॉरवर्ड का है, जरा फास्ट में सुना, फुटेज काहे को खा रहे। हाँ, तो जब जॉन बड़ा हुआ तो मैरी ने उसे बैंजो सिखाया ताकि वो लोकल ट्रेन में भीख मांग सके। भीख मांगते मांगते वो कलकत्ता पहुंच गया और वहां पहुंचकर काला जादू सीखकर काला कांडी करने लगा। लाइफ बदल गई उसकी। हमें क्या बात कर रहे हैं? हाँ, असली बात तो बताई नहीं, वो हम तीनों को धोखा दे रहा है, धोखा। अरे साफ साफ बोल रहे ढोंगले। तो सुनो, वो जॉन का बच्चा काले जादू के माध्यम से हमारे रिजॉर्ट में भूत का प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें कामयाब हो गया। समझा? बात समझ में आ रही है? हमारा रिजॉर्ट मैरी की छाती पर मूंग दल रहा है। एक नंबर का नौटंकी है वो जॉन। उस दिन ऐसे कूदा जैसे भूत ने धकेला हो। हम लोगों को भगाकर ये रिजॉर्ट सस्ते में खरीदना चाहता है। तेरे भेजे में ये सब कैसे आता है? क्योंकि मेरे पास दो दिमाग है। वो हमारा रिजॉर्ट सिर्फ रशियंस को देना चाहता है। और एक बात और बता देता हूँ, वो घरों की दलाली भी करता था। और हमारे मोबाइल का पासवर्ड खोला था उसका क्या? अरे यूट्यूब पर देखा ना, उसे ये सब करना आता है। आखिरकार वो मेंटलिस्ट है, उनकी चाल मैं समझ गया हूँ। वो भूत की अफवाह फैलाकर रिजॉर्ट को बंद करवाना चाहते हैं और उसके बाद ये खरीद लेंगे। हाँ इच्छा गावत, उसका अगला कदम उठाने से पहले ही पिछला कदम तोड़ दूंगा। तुम चाहे मुझे कितना भी मारो, मार मार के मेरा कचुम्बर निकाल दो, मेरी चमड़ी उधेड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि राई का तेल गरम करके मेरे कान में डाल दो। अगर इससे भी दिल न भरे तो एक कीला लेके हथौड़ी से मेरी खोपड़ी में ठोक दो। साहब मैं तो कहता हूँ कि चूहे लाके मेरी लुंगी में छोड़ दो। फिर भी मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, मैंने खून नहीं किया साहब। सुना तूने, थर्ड डिग्री दिया फिर भी अपना बयान नहीं बदला। इसने चाय में धतूरा डाल के पिया है, एक ही बात का रटा मार रहा है ना? ऑलमोस्ट, बिल्कुल तोते की तरह। क्यों? झूठ बोलते रे बाबा, तेरे को मालूम है धतूरा चाय के साथ भांग का काम करता है? तेरे को एक बात बताता हूँ, 12वीं क्लास में मैं धतूरे के पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहा था और उसमें एक धतूरा गिर गया। जो रिएक्शन मेरे साथ हुआ था ना, वही ये कर रहा है। बेटा बाल ऐसी धूप में नहीं जड़े ले। तेरे हिसाब से यही क्रिमिनल है? यही है, ये नहीं होगा तो कोई और तो होगा ही। यार एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई सच बोल रहा है या झूठ, इसमें कई बार फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। सच और झूठ का फर्क कैसे पता चले? आई टू आई कॉन्टैक्ट, आंखों से दिल में उतरना पड़ता है। यार मुझे भी ये टेक्निक सिखाना ताकि मैं भी आईजी बन सकूं। सिखा दूंगा, जेब ढीली करेगा। ठीक है, पर पहले सिखा तो, तेरा हेयर ट्रांसप्लांट मैं करवा दूंगा। बेटा दूसरे का काम और बीवी सबको अच्छी लगती है। इसकी जात का आइला पुलिस। ए, चुपे, चोर है क्या इधर? अरे लेकिन पुलिस क्यों आई होगी? वो अपना जॉन फ्रॉड है ना, इसीलिए जरूर मंदिर से चप्पल चुराई होगी। देखना पुलिस वाला कैसा उसको कुत्ते की तरह मार के ला रहा होगा। मेरी बेटी तेरे स्टूडेंट बनना चाहती है। उसको बोल ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए। हाँ आजा। बाला भैया, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा है, डिकली, बिट्टू, लटकेश्वर, ये मछली के अंडों का धंधा करने वाले। ओह रियली? आओ कभी खिलाते हैं। डेफिनेटली, नेक्स्ट टाइम। चल मिलते हैं। चल, घर आना, वहीं से साथ चलेंगे। हाँ एक मिनट, कोई बात, जाते वक्त मेरे इंटरनेट की रिफिल करा देना। ठीक है। कहीं हमें डराने के लिए नकली पुलिस? नहीं यार, ये असली वाला है, मैं इसे बहुत बार देख चुका हूँ। किधर? सपने में? अबे टीवी पे। अच्छा अच्छा, मैं तो बोलता हूँ कि नकली वर्दी खरीद लेते हैं, लोगों को डराएंगे, बड़ा मजा आएगा। वर्दी वाला काई को आया था? वर्दी वो लोग पहनते, तारे मैं लगवाता हूँ। एक और फेंकू। तुम लोग सच में चाहते हो कि भूत यहाँ से भाग जाए? हाँ चाहते है ना, तो सबसे पहले तुम लोग फुट लो। चलो निकलो, जल्दी कल्टी मारो, चलो। अरे लेकिन अभी तक तुमने भूत को भगाया किधर? अबे ओ बाला, तू क्या बोल रहा था? आत्मा किसी को मारती नहीं है और तेरे को चमाट लगा दी। अबे लल्लू समझा है क्या? गिट्टे दूंगा ना उल्टे हाथ का। अगर मेरी हट गई ना। अबे तू तो पहले ही हट रहा है। टकले हा? अरे तेरी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मॉम, मुंबई लोकल में चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। समझ ले ट्रेन आज खचाखच भरी है, तेरे को देर हो रही है और आज पगार का दिन है, कैसे चढ़ेगा तू? भूत ने भी वही किया, मैंने रिएक्ट किया, उसने धक्का मारा। लॉजिक है ना?
क्या हुआ बच्चों? तुम्हारा प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुआ? बस होने ही वाला है मॉम। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। मामा, इनको लगता है कि रिजॉर्ट चलाने के लिए तुम लता मंगेशकर के गाने पर मुजरा करती हो। तो तू हमारा रिजॉर्ट खरीदना नहीं चाहता? तुम्हारे रिजॉर्ट का हम क्या करेंगे? तुम लोग बैठो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं मॉम, तुमने इनकी चाय में जहर मिला दिया। तो आइला, तुमको कैसे पता चला कि मैं मन में यही सोच रहा था? जाने दो, बच्चे हैं। बच्चे नहीं है हम। चाय के साथ बिस्किट भी खाएगा? चाय माँ, तीन चाय और मेरे लिए कॉफी। ठीक है बेटा, तेरी माँ ने आज बीच में आके बचा लिया। धोखा फिर लगाए। भूत भगाने के लिए मेरे को बलूचिस्तान से ऑफर आया, लेकिन मैं गया नहीं। वो क्या है ना, पैसा बहुत कम दे रहे थे। हम लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे। बचपन से मेरा सपना था कि मैं सपेरा बनूं, क्योंकि मुझे बीन बजाने का बहुत शौक है। पहले मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे एरंडी का तेल बेचने का। एक बार एक आदमी तेल के रिएक्शन से गंजा हो गया और गुस्सा होके उसने मेरी बहुत धुलाई की और तभी ये आंटी ने आके मेरे को सेव किया और अपने घर में डिपॉजिट कर लिया। वो ट्रेन में मिलने वाली बात गलत है क्या? उसके बाद बड़े बड़े इवेंट शो में बीन बजाए, साइंस कॉलेज गया, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के बुक को चाट के पी के और मेंटलिस्ट बना। बाला जॉन पाजी, सॉरी केम बोले छे? क्योंकि हमने आपको गलत समझा। माफ कर दो, बेचारा अंगूठा छाप है। अच्छा वैसे कल जब तुमको भूत ने ऊपर से फेंका था तो लगी थी क्या सही में वहां पर भूत है? जानते हो तुम लोग भूत से बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरे के एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो। अब तुम दोनों एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? बीच में कोहरा है। कोहरा हटने के बाद ही देख सकते हो। अच्छा, रिसॉर्ट में फॉग लाइट लगा ले। चुप कर, मजाक मत कर। डिकली। हाँ हाँ भाई। मुझे एक बार मोड मार्लो से मिलना है। क्या? वो काई को मिल सकते हो, कल वो जुम्बा क्लासेस में आएगी। इसे मत बता। भूतनी तक पहुंचने का रास्ता मार्लो से होकर जाता है। भाई उसका इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। जिस तरह बैंक बंद हो जाती है, तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। ओके, अब मैं छूंगा तो घंटेश्वर को, लेकिन घंटी अनुजा की बजेगी। टिंग टोंग। ओके। ब्लैक आउट हो जा। कुछ महसूस हुआ? नहीं तो। होगा। वापस निद्रासन में जाओ। ए डोरेमोन, डोरे बंद करना बाबा। ये झूठ बोलने से चेहरा काला होता रे बाबा। हिमालय से वापस आ? अच्छा किया ना मैंने। हाय। अपुन तेरी फैन हो गई है, तेरे को क्या जादू भी तो करने को आता है? मेरी पर दादी कहती थी, जब दो लोगों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है ना, हाँ हाँ, तब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना वायर के भी बात कर सकते। लेकिन उन दोनों के बीच तो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर ये सब कैसे हुआ? अरे तू तो गांडी थई गई छे। पहला कंपाउंडर तो बन, पची सर्जन। ओके। तुम्हारे बाल देख के मैं तो हक्का बक्का नूडल्स ही हो गया। तुम्हारे बालों की भूल भुलैया में मेरे को गुम कर दो ना, मेरे को गेट लॉस्ट होने के। अबे ये भूत के चक्कर में कुछ और तो नहीं ढूंढ रहा? ये गंजा भूत नहीं भगा रहा तो फिर? उसे अपने करीब कर रहा है। काश मार्लो को पहले ही पकड़ के पप्पी ले ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गंजा रहे। हम लोग थोड़ा बात करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग अनुमान लगाते रहो। दो अदरक वाली कॉफी भेज।
देखना कोई आने ना पाए। यार ये खूबसूरत लड़कियाँ गंजों से ही क्यों पड़ती हैं? तो बिल्कुल बराबर बोला रे, अब तो मैं भी गंजा होके एसिड से नहा लूंगा ताकि बाल ही ना होंगे। सॉरी, मुझे घनी दाढ़ी वाले लोग बहुत पसंद है। तू बहुत हॉट है। ओ, रेगिस्तान का हूं। तुम्हारी एक फोटो लू क्या? नको, बाद में। अभी नहीं, अभी नहीं। रे गांडी आई हम बेचने। ए, थोड़ा खींच काटना। कैसी लग रही हूँ? नाइस ना? हाँ, नाइस। मैं थोड़ा सा ना इधर को झुकती है। परफेक्ट। नाइस। पता नहीं क्या हो रहा होगा। अबे तुझे टेंशन नहीं हो रही है क्या? तो मेरा जीजा जो टेंशन लूं। अरे 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 अरे, लेकिन दुखी दिख रहे हैं। लगता है बात नहीं करनी उसकी। कल अपन के साथ आएगा क्या? बोलता हूँ। तेरे को आना ही पड़ेगा, अपन की कसम है तेरे को। ओके, चल बाय। अबे चिपक रही है उससे, लगता है दिल नहीं भरा। बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके अंदर आत्मा है ना? हैं? उसके अंदर आत्मा है, लेकिन वो उसकी खुद की है। शादी करेंगे तो टाइम पे बच्चे देगी। इतनी नॉर्मल है। वो किधर जा रही? हाय बच्चा पार्टी। लगता है इसको बच्चे बहुत पसंद। मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे। मतलब यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है? मैंने ऐसा बोला क्या? मतलब है कोई तो है। अगर वो मार्लो नहीं है तो कौन है? और वो हम लोगों पर इतना गुस्सा क्यों है? बाला भैया, जुम्बा क्लासेस में क्या करूं? हमेशा ध्यान रखने का एक अच लक्ष्य। जॉन, इतना वॉक करके भी कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं होती। मेरे को लगता है मेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई। अभी मैराथन भी करेगा तो भी नीचे नहीं आने वाले। मैं तो बोलता हूँ योगा का डंबल मारो। मैं रात को ठूस ठूस के कहा था ना इसके लिए, अभी इसमें योगा भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा वो तीन तिगाड़ा का रिकॉर्ड तो क्लियर है ना? इतने डाउट काहे को हो रहे तुमको? मैं उन लोग को बहुत टाइम से जानता है। कितने सालों से? एक साल हो गए। व्हाट हैपेंड? क्या मैन, कैमरे में कोई फिल्म डाउनलोड की है क्या? इतनी गौर से देख रहा है। कैमरा सारा दिन कमरे में ऑन रखा था, एक मच्छर और मक्खी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। पूरी मेहनत बेकार। देखा क्या? कुछ भी नहीं।
अच्छा एक बात बता, ये कैमरा तूने कैसे लिया? अरे कपड़े धोने का साबुन लिया था, उसमें से एक पर्ची निकली, उसको घसा तो ये कैमरा फ्री में मिला। लेकिन तू ये वीडियो क्यों बना रहा है? भूत दिखता तो वीडियो वायरल होता, उसके पैसे से एक नाव खरीदते, उसको भाड़े पे देते और फिर मालामाल हो जाते। अरे ये क्या है? क्या है बता, मेरे को बता। ये बाथरूम में कोई जा रहा है पर दिख नहीं रहा, ये कैसे? मेरी जान पे सुरसुरी हुई। कौन है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। कौन है रे? क्या बात कर रहा है? मेरे को तो भूत लोगों के आंग से जैसी बास आती है वैसी बास आ रही है। दरवाजा ऑटोमेटिक खुला, बंद हो गया। दरवाजा उघडला फिर शटडाऊन झाला, फिर अचानक बत्ती जली, मेरी भी जली ना। किसको बुला रहा है? इधर आ रहे लहसुन के छिलके। देखो बाला भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जा, मेरा लैपटॉप लेकर आ, फीस तो देने वाले हो नहीं, थोड़ी रामोगिरी करो। ऑन कर दिया, अब क्या करूं? उसमें एक लड़की नजर आ रही है क्या? ज्यादा घूर के मत देखना, नहीं तो मेरे स्क्रीन पर चिरान आ जाएगा। इस लड़की को तू कैसे जानता है? कौन है ये? हम तीनों में से इसे कोई नहीं जानता, कुछ भी बकवास कर रहे हो। सच कहूं तो इस लड़की को मैं भी नहीं जानता, कल ही उसका दीदार किया इसी कमरे में, साइलेंट मोड पे थी। उसे देखकर लगा कि वो आतंक फैला हुआ आत्मा है, मैं उसकी आत्मा से गुफ्तगू करना चाहता था पर बात नहीं हुई। तो तुम लोगों ने तो नहीं मारा ना उसे? दुनिया के सबसे बड़े भगवान की कसम, हम इसे नहीं जानते। देवा शपथ। खुद को मेंटलिस्ट की तोप समझते हो ना, तो ये बात खुद ही पता क्यों नहीं लगाते? अगर हमने बता दिया तो तुम कहे के मेंटलिस्ट? तुम लोगों का उस लड़की के साथ क्राइम पेट्रोल वाला रिश्ता तो नहीं? क्राइम पेट्रोल देखने के बाद कोई ढीठ इंसान ही होगा जो क्राइम करेगा। तू सका है? मेरे को कॉलेज के टाइम एक लड़की मिली थी, फिर मैं उसको डोंगर पे ले गया। क्या बोला? अरे डोंगर मतलब पहाड़, उधर मेरे को फादर मिला। चर्च वाला फादर? अरे मेरा खुद का फादर रे, तू भी ना। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जूली नाम की तेरी एक गर्लफ्रेंड है ना? उसकी शादी हो गई, बच्चा होने वाला है। कॉलेज में ये सबसे चिकना था, तो सब लड़कियां इसको पटती थी, पर ये शर्माता था। बेचारा। तेरे से कोई पटी क्या? पटी पर दुर्घटना नहीं घटी। अरे तू जिसे बाइक पर घुमाता था स्वीट 16, उसका क्या हुआ? तलाकशुदा रईस ढूंढ रहा हूँ, फल भी देगी और साया भी, इनकम का टेंशन नहीं। तेरी गारंटी खत्म हो गई बेटा। घड़ी अच्छी है? सेल वाली है या फिर चाबी वाली? सोलर पावर से चलती है, शादी पर मिली थी। अरे जंक फूड, एक आइडिया दूं क्या? वैसे तेरी सकल सूरत तो एकदम हीरोइन जैसी है, बस तू अपने बदन पे थोड़ा रंधा लगवा ले, फिर तो तू रूप सुंदरी लगेगी। भाग कर शादी कर लेंगे। सर ये झाड़ू मारूंगी ना तो सारा बाल इसमें लपेट के आ जाएगा। मैं बोझा उठाने को तैयार हूँ। शादी करेगा चूसा हुआ आम। फिर भी ये राजी नहीं हो रही। ए कल्पेश, क्या सोच रहा है? दो महीने में शादी नहीं हुई ना तो आपके जैसे टकला बन जाऊंगा। टी शर्ट तो मस्त है। 50 रुपए के लिए। मोटा भाई ऐसा योगा बताओ जिससे मेरी शादी हो जाए। चल आप उनको एक बात बता। हाँ। जल्दी शादी करके क्या उखड़ेगा? जल्दी शादी करूंगा तो जल्दी बच्चे पैदा करूंगा। बेटा महंगाई बहुत बढ़ते जा रही है, मैं तो कहता हूँ शादी ही मत कर। बेटा जब ये रिसोर्ट बन रहा था तब भी तू यहीं था? हाँ तो। ओके। अच्छा इसका मालिक मुरादाबाद में है ना? अरे नहीं नहीं, वो तो अमेरिका चले गए, वो हवा पानी जमा नहीं ना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? थॉमस सर की बेटी बीमार हो गई थी, ये रिसोर्ट का पूरा प्लान उन्हीं ने बनाया। ओह, वो आर्किटेक्ट थी क्या? वो तो पता नहीं। नाम क्या था उसका? माया। माया चोर बाजार से खरीदा है। यही है क्या वो? अरे नहीं भाई,
पक्का ये नहीं है? ना ना बिल्कुल नहीं, उसको तो देख के ही पहचान लूंगा। अच्छा एक बात बता, क्या कोई बीमारी थी उसे? बीमारी? मेरे को नहीं मालूम, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? कल्पेश रुक। नहीं 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 मालूम मेरे को। तुझे रुक, मेरे को भगा मत, मेरे को डॉक्टर ने भागने से मना किया है, मेरे दिल में होल है। नहीं तो पूरे बदन पर टैटू बनवा दूंगा मैं। थॉमस सर ने मना किया था कि मेरी बेटी बीमार है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने मुंह पे पट्टी बांध रखी थी। पट्टी मत खोलो टकला भाई, प्लीज प्लीज, थैंक यू फॉर रिटर्न गिफ्ट। यही माया है। अमेरिका में ट्रीटमेंट के बाद इसने मुरादाबाद में कोई कंपनी ज्वाइन की थी, थॉमस सर भी वहीं रहते हैं। उसकी नेक्स्ट मंथ शादी है, ऐसा सुना है कि लव मैरिज है। ओह, तो शादी भी फिक्स हो गई। लड़का कौन है? ऑनलाइन ढूंढ। अरे तुम कैसे भी करके भूत को पकड़ लो और बाटली में उतर लो ना, बाकी पैसे का चिंता काई को, हम चंदा जमा करके देंगे। बाला भैया तुमने उसका स्केच तो बना लिया है, बस पता करो वो है कहां की। करता हूं। कहां रिजॉर्ट में मछली के अंडों का धंधा करने की बात कर रहे थे, अब रिजॉर्ट बेचने की बात चल रही है, क्या दिन आ गए मैन। जो भी इस भूतनी का पता लगाएगा उसको हम लोग के रिजॉर्ट में एक महीना फ्री। उस लड़की का मिसिंग पोस्टर बना के फेसबुक पे डाल रहे हैं, बस इनाम नहीं रखा है, शायद कुछ पता चले। वैसे भी बहुत टाइम पास हो गया, ये बाला से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, एड़ा बना रहा है। अबे पागल हो गए हो क्या, तुम लोग इस भूतनी से पंगा ले रहे हो? अगर इसे पता चल गया ना तो तीनों का गला दबा देगी। देख इसके बारे में पुलिस को बता देते हैं। अरे क्यों पड़ रहे हम लोग इसके लफड़े में? अबे तू शाना मत बन, कोई उपाय है क्या? देख लटकेश्वर, ये भूतनियां बदला लेने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, ये बहुत भारी पड़ेगी। अरे तो पढ़ने दे, मरना तो है ही, जब से भूत की अफवाह फैली है रिजॉर्ट खाली पड़ा है। मैंने फोकट का आइडिया दिया था कि मछली के अंडों का धंधा करेंगे, तो तुमने मेरा बू मन करके कोने में फेंक दिया। हां मंगलवार को लोग अंडे नहीं खरीदते तो नुकसान होता ना, इसीलिए तो वो धंधा नहीं किया। ए चपड़ चपड़ बनकर, माँ का मंगलसूत्र और बाप के गले का चैन बेच के मैंने इस मोटे को धंधे के लिए पैसा दिया, उसकी वजह से मेरी माँ का डिवोर्स भी हो गया, या भैंसे की वजह से, और मेरे को सुना रहे हो? अगर वही पैसा मैं घोड़े के रेस में लगाता तो करोड़पति होता, होता कि नहीं बोल। हाली पीली। मैंने तुम लोगों के नाम वकील से एक वसीयत लिखवाई है, अपनी लेफ्ट वाली किडनी बिट्टू के नाम और राइट वाली लटकेश्वर के नाम कर दी है, उससे नुकसान की भरपाई कर लेना। इसने तो इमोशनल कर दिया रे। सॉरी रे डिकली, मला माफ कर रे। ब्रो तू ये सही कर रहा है क्या? कभी तो मेरे दिमाग पे भरोसा किया करो तुम लोग। इधर इंटरनेट देखूंगा, खाली करो रे। तेरे को यहाँ आने से मना किया ना, चल निकल यहाँ से। धरती क्या तुम्हारे बाप की है कि जाऊं? ये दुनिया को बनाने वाला एक ही है। अरे कोई भी आ जाता है और 500 रुपए के कागज पे कोट का थप्पड़ लगाता है, बोलता है मेरे बेटा, किसी दिन ऊपर वाले को गुस्सा आ गया ना, सुनामी भेज देगा, सब उसका हो जाएगा। चुप बेवड़े, चढ़ गई तेरे को। ये माया नहीं है, मोह माया है, ऊपर वाले की माया ही है, और टकला मानते ही नहीं है। तुम लोग भी कहाँ मानते हो ये लटकेश्वर? आज मैं तुझे यही दफन करूंगा। एक आत्मा से तो परेशान है, तू भी आ जाना परेशान करने। क्या कर रहा तेरी तो? चल कल्पेश मर जाएगा, इसकी आत्मा फट गई। हाले मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है ये। मैं जा रहा हूँ पोस्ट करने। इंस्टाग्राम पे भी डाल दे। इंस्टा पे ही नहीं, सब सोशल साइट पे डाल रहा हूँ। टिंडर पे भी डाल दे। भूतनी तेरे दिन भर गए रे। अरे ये अपलोड ही नहीं हो रहा है। वाईफाई की तो फुल डंडी है, एक बार फिर देख। तूने लाइट बिल तो भरा था ना? एक काम कर, लैपटॉप की लाइट चालू कर। पूरा चार्ज था फिर भी बंद हो गया। बेटा तूने चालू वाले चार्जर से चार्ज किया होगा। सुनामी इसकी अब तक उतरी नहीं है, उतारनी पड़ेगी। अरे कल्पेश तुझे क्या हो गया मैन?
लगता है आत्मा इसके अंदर घुस गई। अरे उसके अंदर नहीं, लैपटॉप के अंदर घुस गई। फादर, आपको जितना पैसा चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन उस भूतनी को भगा दो। अयो, तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं भगाएगी? आप तो खाली मुंह से बोल के भगा रहे हो। जॉन, इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? आई, इन लोगों की प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन इन लोगों ने चिंगम की तरह खींच के उसको बड़ी कर डाली है। इन लोगों की हरकत से आत्मा बहुत नाराज हो रही है। इन तीनों ने केस को और उलझा दिया है फादर डैडी। फादर, इस केस को हमने नहीं, इसने उलझाया है। सॉरी, हम लोगों के सोने के वांदे हो गए, इसलिए गुस्सा आ गया। किसी भी तरह आत्मा को भगाओ, मैं तुम्हें महानंदा दूध से नहला दूंगा। ए मगरमच्छ, पहले नौटंकी में था क्या? मैं भूत नहीं भगाऊंगा। क्या जॉन, तुम नशा किया क्या है? मैं क्या मुंशी पार्टी है जो इनकी मदद करेगा? फादर, माला माफ करा, और एक बार डोके में घुसा ले, मैं बैंक की तरह हूं, दिया हुआ लोन सूद समेत वसूलता हूं। यह आत्मा बहुत भयानक है, जल्दी काबू में नहीं आने वाली। मैं कोशिश कर रहा हूं, आत्मा को वश में करूंगा। मिलते हैं फादर। ये आत्मा तू बहुत हसीन है, बाहर आ जा, बैठ के बातें करेंगे। अगर नहीं आई तो अपन बीच पे जा रहे हैं। आइला बहुत तगड़ा है, तेरे जिम में जाती है क्या? डर रही है कि डरा रही है? जॉन डॉन बॉस्को मेंटलिस्ट नहीं, मेंटल है। खुद को बंगाली बाबा समझने लगा था। खोदा पहाड़ निकली छछुंदर। तुम लोग चर्च के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे मंदिर के सामने बैठते हैं। फादर चुप हो जाओ, नहीं तो गुस्से में मैं उठा उठा के मारता हूँ। गुड मॉर्निंग फादर। तुम सुबह सुबह इधर? यहाँ जॉन आया था क्या? कल शाम को आया था, निकल गया, अभी नहीं आए। तुमको देख के लगता है कि तुम कुछ छुपाता है मुझसे। दिल घबरा रहा था इसलिए आ गई। मुझे पता है वो चला क्या। मैं चलती हूँ। चला गया? किधर गया होएगा? मुझे क्या पता। नमस्ते ताई। नमस्ते। मेरे को क्लारा की कोई तस्वीर मिलेगी क्या? हाँ जरूर। ये रही बेटा। मिल गई? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अनाथालय में थी।
नेशनल लॉ कॉलेज। हाँ, उस वक्त मैं भी नेशनल लॉ कॉलेज में थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मैं सच बोल रही हूँ। ओके। यार मैं तुझे एक तस्वीर दिखाता हूँ, तू पहचान सकता है कौन है ये? देख। और ये केस तो काफी पुराना है। चल इस केस को रीओपन कर और इस फाइल पर जमी हुई धूल पर फूंक मार। सर ये क्लारा केस को स्टडी करना चाहता है। ओके। आपसे मिलने दोबारा आऊंगा सर। ठीक है। थैंक यू। यू आर वेलकम। रिसोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? एक एकड़ में 2-4 मीटर कम होएगा। तो कीमत भी 2-4 लाख का हो जाएगी। पूरा रिसोर्ट समंदर से कवर है। पानी नहीं आया तो जाके डुबकी लगा सकते हैं। अभी क्या है, पैसे का गरज है ना, तो इसके लिए बेचना पड़ रहा है। इसको बेच के हम लोग अमेरिका में जाके भेलपुरी का धंधा शुरू करेंगे। अमेरिका में कहाँ? वो स्टेशन के पास शिकागो। शिकागो मेरी नानी रहती है वहाँ। अच्छा, पुल कहाँ है? अरे पुल उधर है, ठंडा पीते रहिए। आहा, पानी में साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। इतना ही नहीं, पूल के अंदर बाथरूम भी है। स्विमिंग के वक्त लग गई तो कर भी सकते हैं। अच्छा। हाँ। अंकल आपने पहली बार स्विमिंग पूल देखा है क्या? वैसे स्विमिंग पूल मेरे लिए नया नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ हर बारिश में पानी भरता है। हम लोग उस बारिश में फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, और फिर उसके और क्या खेलते हैं? फिर पानी निकल जाता है। एक बार तुमने ये रिसोर्ट ले लिया ना तो गली में जैसा पानी भरता है ना, वैसे घर में पैसा भर जाएगा। एकदम सही बोला। और तो और, गर्लफ्रेंड के लिए खुफिया रूम भी है। दुनिया के बाकी रिसोर्ट में आपको भूत का मजा नहीं मिलेगा, लेकिन इधर वो फैसिलिटी है। तेरे तो अंकल पाले में आ गया था, लेकिन तूने उसे भगा दिया। देख डिकली, मैं गांधी जी का भक्त, मेरे मुँह से झूठ नहीं निकलता। देख मेरी बात। अबे आप क्या यहाँ झक मारने आए? हम लोग रिसोर्ट बेचने जा रहे हैं। तेरी मदद गई टकले पे तेल लगाने। अजीब किस्म के ठरके हो यार, भूतनी का तो पीछा छोड़ दो, वैसे भी रिजॉर्ट बेच रहे हैं। अब बेचने की कोई जरूरत नहीं है, उस आत्मा को मैं भगाऊंगा। इधर आ, ए लटकेश्वर इधर आना। बोला ये तो फोटो वाली लड़की है ब्रो। हमारे रिसोर्ट का बाथरूम। सही बताना, मोड मार लो कि फोटो लेने की कोशिश की थी ना? की थी, इसीलिए यह सब हुआ। ये सब तुम्हें कैसे पता? इस एक हफ्ते में उस आत्मा ने तुम में से किसी को परेशान किया? नहीं तो एक हफ्ते से काफी शांति है। शांति तो होगी, क्योंकि एक हफ्ते से वो मेरे साथ ही। क्या वो यही है? सब मरेंगे, सबको मरना पड़ेगा। पिछले साल 2 अप्रैल को नेशनल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गेट टुगेदर करने के लिए इस रिसोर्ट को बुक किया था। लेकिन तब यह रिसोर्ट हमारी कस्टडी में नहीं था। मैं जानता हूँ, पर वीडियो इसी रिसोर्ट में बना था, इसीलिए वो आत्मा नाराज है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वीडियो किसने बनाया। मैंने रिसोर्ट के ओनर से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह गिरा हुआ काम उन्होंने नहीं किया है। ये जब से मोबाइल वाला कैमरा लोगों के हाथ में आया ना, लोग कुछ भी वीडियो बनाए जा रहे ले। अरे हकते हुए भी कोई वीडियो बनाता है? तो ये किसका काम हो सकता है? पता तो करके रहूंगा। 4 तारीख को जैसे ही वीडियो लीक हुआ, क्लारा ने सुसाइड कर लिया। बड़े दुख की बात है।
इसको तो एचआईवी था। अरे तब तो वो जरूर पायजामा छप लड़की होगी। अबे अबे झंडू, वो जन्म से ही एचआईवी पॉजिटिव थी। ये गिफ्ट उसे उसके पेरेंट्स से ही मिला था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां बदनाम है। वो एचआईवी पॉजिटिव थी, उसे इंडिया के नंबर वन कॉलेज में एडमिशन मिला उसकी काबिलियत की वजह से। ओके सॉरी। उसकी ये बीमारी किसी को पता नहीं थी, उसके बारे में सिर्फ प्रिंसिपल सर जानते थे, पर पता नहीं अचानक ये बात लीक कैसे हो गई। आखिर लोग किसी की सफलता से इतने जलते क्यों हैं? आखिर भला करोगे तो भला ही होगा ना। एचआईवी की बात फैलते ही स्टूडेंट्स ने क्लारा के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिमांड की कि क्लारा को कॉलेज से निकाल दिया जाए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए और क्लारा फिर से कॉलेज जाने लगी। कॉलेज मैनेजमेंट ने टूर का प्लान बनाया, कुछ लोगों ने मना कर दिया। क्लारा की बात को लेकर पेरेंट्स ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, यहां तक कि लोग अनशन पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। अब हमारा जो सस्पेक्ट है वो उन लोगों में से ही एक है, जिसने भी किया है बहुत ही घिनौना काम किया है। हमारा समाज भी बड़ा अजीब है, एचआईवी पेशेंट को बहुत गिरी हुई नजरों से देखता है। इसमें उस क्लारा की क्या गलती है? वो आजाद पंछी की तरह आसमान में पंख फैलाए उड़ना चाहती थी, लेकिन इस बहरूपीय और दोगले समाज ने उस बेचारी क्लारा के पंख काट डाले। वो एक आम लड़की नहीं थी, बहुत ही स्पेशल थी। वो मुझसे जवाब मांग रही है, कौन है वो, कहां है, उसने ऐसा क्यों किया। आपको मालूम है मैं इस बात के लिए राजी क्यों हुआ? एक वकील और प्रिंसिपल होने के साथ साथ मेरा अनुभव यह कहता है कि टीनेज में एक बच्चे का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है, वो बहक सकता है। सही कहा। वो फैसला लेने के काबिल नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत। उस बच्चे के जज्बात उसके दिमाग पर हावी हो सकते हैं। इंसाफ में देरी हो सकती है, लेकिन नाइंसाफी कभी नहीं। हम यहां पर यही शिक्षा देते हैं। अब अगर ऐसा कोई क्रिमिनल एक लॉयर है तब तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसका पता जरूर लगाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स रिसॉर्ट गए थे वो सब के सब इस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद है। कार्रवाई शुरू की जाए। एक पुराने केस के लिए इतना तमाशा करना ठीक है क्या सर? जो केस आज तक पुलिस और कोर्ट नहीं सॉल्व कर पाए, आपको क्या लगता है वो केस ये मेंटलिस्ट सॉल्व करेगा? इसने बहुत केस सॉल्व किए हैं, तुम्हारा दिमाग भी ठीक कर सकता है। हाँ। आइए सर, हम लोग चले। जी मैडम, इसके साथ तुम्हारा बहुत सीक्रेट गेम चल रहा था ना, लेकिन आजकल तुम लोगों ने सीक्रेट गेम से वेकेशन लिया है क्योंकि तुम्हारा पति वेकेशन पे आया। पति को बता दूं क्या? इसे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता? आइए। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हैं आकाश मल्होत्रा, कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाय, हेलो। और ये हैं मिस्टर जॉन, साइकियाट्रिस्ट। ये आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे, प्लीज कोऑपरेट। द प्लेस इज ऑल योर्स। कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। ऐसा समझो मैं इधर गड़ा मुर्दा उखाड़ने के लिए आया। कुछ साल पहले क्लारा नाम की एक लड़की थी, आप लोगों के कॉलेज से ही थी, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत का जिम्मेदार आप लोगों में से कोई एक है। कौन है वो, वही पता करने के लिए तुम्हें इधर को आया है। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप सब लोग इसमें शामिल हैं। क्लारा ने मुझे कसम दी है कि उसके गुनहगार को मैं पकड़वा के रहूं। पकड़ूंगा उसको। क्या बोलते हो इंस्पेक्टर, कार्रवाई शुरू करें? ठीक है। चलो। सर बैठो बैठो। हे, एक एक करके प्ले करो। शौक लगा, इसे जाने दो। इसे दुख हुआ, इसे भी जाने दो। ये टेंशन में है, इसे रुकने बोलो। कातिल यही है। जाने दो, इसे रोक दो। जिनको सिलेक्ट किया उनका ग्रुप बनाओ। इसे रोक दो। यस। नहीं, जाने दो। क्या? हाँ रुको। यस नो।
इन 8 लोगों को छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। ठीक है, तुम मॉनिटर करते रहो, चलो। इसने मारा होएगा। तुझे कैसे पता? कौन बोला? मेरा दिल बोला रे। यस, मैं नहीं चाहता था कि कोई एचआईवी पॉजिटिव स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़े, इसीलिए मैंने क्लेरा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और एक मोर्चा निकाला। तो क्या गलत किया? और इसीलिए तुमने क्लेरा को मारने का प्लान बनाया? हाँ, किस लिए? बकवास कर रहे हो तुम? जा सकते हो। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। पता होता तो झूठ क्यों बोलता? मुझे कुछ नहीं पता। पता चला? अमृता, जब नीना ने क्लेरा से रूम शेयर करने से मना किया तब तुमने उसे अपने साथ रखा, काय को? पापा ने कहा इसलिए, और क्या? ये मेरी बेटी है। ओ, तुझे क्या लगता है कातिल कौन है, ये लड़की या फिर वो दाढ़ी वाला लड़का? मुझे तो इस पर शक है। इतनी खूबसूरत दिख रही है, वो नहीं मारेगी है? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ कह नहीं सकती, ये 1 साल पहले की बात है। कोई बात नहीं, जा सकती हूँ। ओके। कितना टाइम ले रहा है? डिस्कशन के दौरान आपने एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? सिर्फ आप ही जानते थे कि क्लेरा को बीमारी है, बड़ा बोलना ना मी। सही बात है। तो फिर ये रायता कॉलेज में किसने फैलाया, किसकी करतूत थी, मालूम किया गया? क्लेरा की बीमारी की पिक्चरें किसी ने फेसबुक पर वायरल कर दी थी, इसी वजह से सबको पता चल गया होगा। ये काम कोई भी कर सकता था। वो तुम भी हो सकते हो। बकवास कर रहे हैं आप, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? सर नाराज मत होइए, ये ऑफिशियल है, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। चिंता हुई? हाँ, यही ठरकी है। झोलर, आप जानते थे रायता किसने फैलाया? आप जानते हैं तो क्यों नहीं बताया? क्या कुछ ऐसा था कि मैं मार्क्स बढ़ा दूंगा एक बार आ जाओ? नहीं नहीं। तो फिर तुम चुप क्यों रहे? कहीं उससे बेटी जैसा प्यार तो नहीं है? योर डॉटर अमृता। प्लीज उसको इसमें मत घसीटिए। अमृता को बचाने के लिए आपने क्लेरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपका उसके साथ रोमांटिक एंगल नहीं था, आपको डर था कि क्लेरा कहीं आपकी बेटी से आगे ना निकल जाए। यही वजह हो सकती है, क्योंकि क्लेरा आपकी बेटी से ज्यादा होशियार थी, उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां आपकी बेटी नहीं पहुंचती। How dare you? तुम मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हो। तो क्या तेरे पे लगाऊं? हाँ, आप बैठ जाइए प्लीज। आप उनसे ऐसी बात नहीं कर सकते, जरा जबान संभाल के। मैंने कहा ना आप बैठिए। इन्हें कहिए तमीज से बात करें सर। ठीक है। क्या 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 क्या, क्या बोले? जवड़िए इधर। मेरे को देख, तो तेरे को क्लेरा की बीमारी के बारे में तेरे बापू ने बताया। तूने फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाई और क्लेरा की बीमारी के बारे में उस पर पोस्ट कर दिया। क्लेरा की जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? मैंने पोस्ट नहीं किया। झूठ मत बोलो अमृता, मैं अंदर यामी हूं, सच्चाई को खींच के बाहर निकालता हूं। पापा ने कहा इसलिए, और क्या? तुम मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या अमृता का किसी के साथ अफेयर था? नहीं तो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अमृता कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसे अपने पापा से अच्छा इंसान कोई मिला ही नहीं। अमृता की नजर में कोई अच्छा इंसान नहीं है सिवाय उसके फादर के।
बचपन से अमृता का एक ही लक्ष्य था, अपने फादर की तरह कामयाब बनना। फादर ने किया है, हो ही नहीं सकता। चर्च का फादर नहीं ये वाला। इसका मतलब है कि लड़की के बाप को दूल्हे की माँ ज्यादा पसंद आने लगी थी। यहाँ हर स्टूडेंट एक ड्रीम लेके आता है कि वो यहाँ से एक बहुत बड़ा वकील बनकर निकले, वो एक ऐसी डिग्री हासिल करे जो आज तक किसी को न मिली हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो डिग्री मेरी फेवरेट स्टूडेंट क्लेरा को मिली है। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू अंकल। थैंक यू। क्लेरा की स्कॉलरशिप से ज्यादा अमृता को एक बात बहुत हर्ट करती थी, वो थी उसके पापा द्वारा क्लेरा की स्टेज पर तारीफ करना। सही पकड़े हैं ना? बताओ मुझे। आपने सही कहा, क्लेरा की एचआईवी वाली न्यूज इसी ने पोस्ट की थी। टीनेज में की हुई नादानी, उसकी वजह से इसका फ्यूचर मत खराब कीजिए। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, डरो मत। शुरू हो जाओ। पापा ने क्लेरा से मिलवाया और जब मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, मुझे उससे हमदर्दी हुई। पापा उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगे। अपने टैलेंट की वजह से वो कॉलेज में फेमस हो गई। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? उन दिनों कॉलेज में इलेक्शंस थे और वो इलेक्शन भी जीत गई। चलो अमृता, क्लास में चलो। मैं उससे जलने लगी। तुम्हारे प्रति पापा का प्यार धीरे धीरे क्लेरा पर शिफ्ट होने लगा और इसी बात से तुम्हें जलन होने लगी। उससे बदला लेने के लिए मैंने उसकी एचआईवी वाली खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया ताकि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए। पापा की नजर में अच्छा बनने के लिए तुमने यह सब किया ताकि वो स्कॉलरशिप तुम्हें हासिल हो जाए। आप जानते थे कि यह सब अमृता ने किया है, फिर भी आप चुप रहे, क्यों? बेशरम, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। जब नीना ने उसे रूम से निकाला तो मैंने अमृता से क्लेरा को रूममेट बनाने को कहा ताकि अमृता ने जो किया है उसका पश्चाताप कर सके। लेकिन अमृता को उस घटना के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं हुआ। एचआईवी को लेकर कॉलेज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से अमृता अपने पिता की और कॉलेज की नजर में गिर गई और तभी अमृता ने रिसॉर्ट जाने का प्लान बनाया ताकि वो क्लेरा से बदला ले सके, है ना अमृता? हद होती किसी चीज की, ना तो क्लेरा की मौत से और ना ही जो उसकी वीडियो क्लिप लीक हुई उससे अमृता का कोई संबंध है। यह जाहिर है कि उस रिसॉर्ट में तुम क्लेरा के साथ उसके रूम में ही ठहरी होंगी। क्या मतलब? बस ख्याली पुलाव। अमृता, जब तुम सब लोग वहां रिसॉर्ट पहुंचे थे तो वहां पर क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप बताओ। मुझे ठीक से याद नहीं है, उस बात को तो एक साल हो गया। क्लेरा के बाद वो स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली है, तुम्हारी मेमोरी तो शार्प होगी, याद करो सब याद आ जाएगा। उस दिन हम दोपहर में रिसॉर्ट पहुंचे और चेक इन किया, फिर फ्रेश हुए, सबने लंच किया और बाहर घूमने चले गए। शाम को हमने रिसॉर्ट में कैंप फायर का प्रोग्राम रखा था। कैंप फायर छोड़ के तुम रूम में क्यों गई थी? ये किसने कहा? बहुत हो गया सर, दिस इज हैरेसमेंट। मैं अपना काम करूं, आप शांत रहिए। कैंप फायर से रूम में लौटकर एग्जैक्टली क्या किया मुझे एक एक डिटेल्स चाहिए। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं रूम में गई और फोन को चार्ज पर लगाया। फिर मैंने थोड़ी देर टीवी देखा क्योंकि मैं चाहती थी मेरे जाने से पहले फोन चार्ज हो जाए। टीवी देख के मैं बोर हो गई तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद मैंने चेंज किया और मैं कैंप फायर के लिए चली गई। तुम दवाई क्यों नहीं ले लेती? आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, तुम जाके एंजॉय करो।
नाइस वॉच, पापा ने गिफ्ट किया ना। ओके अमृता, तुमने जो कुछ भी कहा उसे फिर से रिपीट करो। क्या मतलब? जहां तुमने एंड किया वहां से स्टेप बाय स्टेप वापस जाओ। ये रिवर्स करने को बोल रहे है? अरे वो क्या टेप रिकॉर्डर है जो रिवर्स मारेगी? सच में मेंटल ही है। ओके, रूम लॉक किया, फिर टीवी देखा, उससे पहले नहाया, अब फिर तुम्हें एक बात बताऊं अमृता, तुम झूठ बोल रही हो। झूठ को स्टेप बाय स्टेप रिवर्स में बोलना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी घड़ी नहीं देख रहा था, बल्कि पल्स चेक कर रहा था, और वो नॉर्मल नहीं थी। तुम फंस गई अमृता। अब तो सच बता ही दो, उस रात वहां क्या क्या हुआ था? मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। मैं बाहर वेट करती हूँ। मेरी वीडियो क्लिप को कॉलेज में सबने देख लिया होगा। तुम्हारी गलती थोड़ी ही है, सब मेरी गलती है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। मुझे अपने शरीर से घिन आने लगी है। मैं अपने आप को मिटा दूंगी। गलती हो गई। I'm sorry. मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी गलती है पापा, I'm sorry. Sorry. मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूं। मेरी बेटी एक मुजरिम है। आप इसे ले जाइए। तुमने क्लारा को नहीं, इंसानियत को मारा है। क्लारा को समाज का हिस्सा बनने से रोकने वाली तुम कौन थी अमृता? तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। और क्या हासिल किया तुमने?
इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हासिल हुई है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। क्लैरा को देखना चाहोगी? क्लैरा यही है। मेरा हाथ पकड़ो, तभी तुम उसे देख पाओगी। मिल गया क्लैरा। देख क्लैरा, मैंने तेरे को इंसाफ दिला दिया। अब तू चुपचाप वो रिसॉर्ट छोड़ के चली जा। वैसे भी उन लोगों का रिसॉर्ट है ना, बहुत लॉस में जा रहा है। इसकी किसी अच्छे भूत से शादी करवा दूंगा। बेटा लटकेश्वर, इस फादर को देख के जलन हो रही है। इसकी एक टांग कॉफिन में है और दूसरी टांग पे ये उछल उछल के जुम्बा कर रहा है। मन कर रहा है इसका गला दबा दूं। मार्लो को देख, कैसे बेफिकर होके उछल उछल के जुम्बा कर रही है। उसे क्या पता कि हम इधर बैठ के उसको घूर रहे ले। हमारे नसीब में लड़की है कि नहीं? लड़की नहीं, अपने नसीब में काम वाली है। चलो सब जल्दी हल्के होके आ जाओ। सेल्फी कैमरा नहीं चल रहा है, एक फोटो निकाल दो मोबाइल से। हां सर, अगर दो दिन पहले आए होते तो फोटो खींच देता। हमारा हाथ हिलता है ना तो फोटो ब्लर हो जाता है। एक कार्ड खींच। बता मेरे पत्ते में दिल बनाई है जोकर। मेरे बॉडी को टच कर, जहां तेरा दिल करे। अगर मैं 2 महीने में मेंटलिस्ट नहीं बना तो मेरा नाम डिक्ली नहीं। हाथ हटा ले। पंजाई खींचा था ना तूने, पंजेड़ी। ओ तेरी, सही है यार। अच्छा चल, तू ये बता इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है टकले। पहले कुछ सोच तो ले। सोच लिया। ये तो फ्री में मजे ले रहा है, इसकी तो मैं चला दड़ा। एक खजूर अभी कल यहाँ से। सही पकड़े। क्यों सही पकड़े हैं ना? तेरी तो अभी तेरी सोच ठीक करता। रुक 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 रुक। ओए अरे डिकली, चप्पल तो रख। संडी चुप, संडी चुप, संडी चुप। अरे गोल। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं, मुझे इस वक्त खट्टा खाने का मन कर रहा है। मोड मार लो। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी? ना बोल दे। शादी तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अंकल डील फाइनल करते हो या? तो रिसोर्ट बनाए। तो मुर्दे अभी भी नीचे हैं? कभी कभी ऊपर भी आते हैं। तुम लोग डरा रहे हो ना? जब भी कभी अकेलापन महसूस होना तो किसी भूतनी का हाथ पकड़ के वॉक पे निकल लेना। सोच रहा हूँ भूतनी पटा लूँ। वो लोग मना नहीं करते। ऊपर चांद नीचे भूत, आ गई बारिश, जल्दी अंदर घुस। अरे चलो टोपी टोपी उठाना। फ्री में धो